Hello, good evening. Good evening, friends. How are you? I think you all are fine and healthy. Stay healthy. Please confirm I am audible and visible. Please confirm I am audible and visible or not? Okay. I think I am visible right now. Good evening, Ajit. Good evening, Ram. कैसे हैं आप सभी? How are you? Okay. Thank you, friends. Most welcome on Unacademy Articulate YouTube channel on live session. In this session, we have going to discuss comprehensive book summary of Nitin Singhania for Art and Culture Part 3rd. Okay, we have already discussed before 2 days. We have already discussed the Part 1 and Part 2, the comprehensive book session of Nitin Singhania in our over Art and Culture. Okay, this session is very beneficial. For your preparation of art and culture for civil services, and it is very beneficial to get maximum marks in different stages of examination like prelims, mains and interview. Okay, जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि ये किताब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है आर्ट एंड कल्चर की तैयारी के डायरेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों ये किताब अपने आप में भी एक बहुत ही इस किताब को पढ़ना अपने आप में एक बहुत टफ काम है, क्योंकि ये बुक दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी मोटी है, जिसमें दोस्तों करीब 500 प्लस पेजेस हैं और हार्डली दोस्तों इस किताब की करीब 200 या 100-250 पेज ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस सेशन में हम केवल ये बात करेंगे, करीब 60% तक दोस्तों इस सेशन में हम इस किताब की उन चीज़ों को निकाल देंगे जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। हम केवल उन चीज़ों पे बात करेंगे इस कोर्स में जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और जिसमें आप जिसको पढ़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, एग्जाम के डिफरेंट स्टेज में, लाइक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में। ओके, गुड इवनिंग, आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आपके चैट भी ले रहा हूँ, तो आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड या आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, तो आप ज़रूर अपने सुझाव यहाँ पर हमें दें, ठीक है, और अपनी क्वेरीज़ भी आप ज़रूर हमें दें, ठीक है। आपसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होगी मैं आज आपकी चैट ले रहा हूँ। तो दोस्तों बगैर कोई देर किए हुए, विदाउट एनी लेट, वी हैव टू गो टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द समरी कोर्स ऑफ नितिन सिंघानिया टुडे। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट लाइक आर्किटेक्ट, different development of architecture in ancient, medieval and modern India, and today we have to go to discuss the development of sculpture. There is part of development of sculpture in India. Okay, तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम किन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन दोस्तों, ये मेरा नाम जावेद फारूकी, आई एम द टॉप एजुकेटर ऑन एन इंडियाज लीडिंग ऑन एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एन अकेडमी। एंड दोस्तों पिछले 8 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार अपने अध्यापन करने के बाद अब मैं अनअकैडमी पे अपनी सेवाएं देने के लिए हाजिर हूँ। टाइप ऑफ स्कल्पचर्स इंडिपेंडेंट, कल हमने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं स्कल्पचर में, और जहाँ पे दोस्तों जहाँ से हमें शुरू करना है वो है स्कल्पचर इन मॉडर्न पीरियड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से दोस्तों जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसके पहले तक की चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे स्कल्पचर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अपना लैपटॉप चार्ज में लगा दूं। गुड इवनिंग अभिषेक, हर्ष, राम रतन, दीपक, अजीत, आदर्श. Okay, so now we have to discuss sculpture in postmodern, development of sculpture in postmodern period. We have to continue here. First of all, हमने आपको ये बताया कि भारत में प्राचीन काल में जो दोस्तों जो मूर्तिकला का विकास हुआ, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. पहले वाला इशू आ रहा है, पेन क्लियर नहीं है. पेन का इशू फिर आने लगा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. क्या वजह होती है जो ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता. हेलो रजत जी, हेलो रजत जी, एनिटेस्ट पे जरा लीजिए, मुझे वो पेन फिर इशू कर रहा है. हाँ हाँ मैं लाइव हूँ. ओके ओके ओके. Please wait a 1 minute. Some technical issues. Vishu Gupta, this course is, I think, completely enough for you. Okay, you should prepare some. You should need to practice courses like test series or like prelims test series, like mains test series, and others. Thank you, Deepak. Thank you. Please wait. Good evening. There is some technical issues. Okay. Enable trading कहाँ पे? मैं फिर से करता हूँ एक सेकंड. Okay, okay. शो तो नहीं कर रहा है एक्स का। हाँ आ गया, थैंक यू, थैंक यू भाई। Hello friends, there was some technical issue, but now it has resolved. Thank you team Unacademy, thanks for support. Hello everyone, finally everything is clear right now and अब दोस्तों अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे चीज़ें मैंने कल रोक दी थी वहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ओके तो विदाउट एनी लेट अब हम लोग दोस्तों जहाँ पे क्लास को रोक दिया था, जहाँ पे कल क्लास हमारी ख़त्म हुई थी उसके अब आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग अभी आर्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आर्ट के टॉपिक में हमने ये बताया था कि दोस्तों कि दो तरीके के आर्ट होते हैं। एक होता है आपका विजुअल आर्ट एंड सेकंड होता है आपका परफॉर्मिंग आर्ट। ओके तो विजुअल आर्ट में जैसा मैंने आपको बताया था कि विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट की बात की थी। तो विजुअल आर्ट में मैंने आपको बताया कि एक होता है आपका आर्किटेक्ट, सेकंड होता है आपका स्कल्पचर एंड थर्ड होता है आपका पेंटिंग। तो अभी दोस्तों हम लोग स्कल्पचर वाले टॉपिक पे अभी चल रहे हैं। इसके बाद स्कल्पचर जब हमारा फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक, आफ्टर फिनिश स्कल्पचर हम लोग दोस्तों पेंटिंग चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। देन पेंटिंग के बाद आज हमारी कोशिश होगी कि हमारा स्कल्पचर का टॉपिक खत्म हो जाए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देन पेंटिंग की बात करेंगे, पेंटिंग के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे पेंटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। और आज ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट में। तीन बड़े आर्ट आते हैं दोस्तों, एक होता है म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड हैंडीक्राफ्ट। तो आज हमारी कोशिश होगी दोस्तों कि हम लोग म्यूजिक तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। ओके तो चलिए दोस्तों हम लोग वहां से शुरू करते हैं जहां पे हमने कल रोका था। हमने आपको एंशिएंट इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स के बारे में बताया। तो आपको एक चीज बताई कि अगर हम स्कल्पचर आर्ट के डेवलपमेंट पे अगर हम एक ग्राफ खींचें, ओके अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर आर्ट इन एंशिएंट इंडिया, अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो उस ग्राफ के सबसे अपेक्स पे एक जो टाइम आएगा दोस्तों वो जो टाइम पीरियड होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसके सबसे अपेक्स पे होगा। क्यों? कई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, हम लोग इस पर नहीं जाएंगे कि आखिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट अपने जेनिथ पे पहुंचा, अपने अपेक्स पे पहुंचा था। ओके तो इसके बाद दोस्तों स्कल्पचर आर्ट के डेवलपमेंट में धीरे धीरे क्या होगा, एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा एंशिएंट इंडिया में। और हमें एंशिएंट इंडिया तक ही हमें जो स्कल्पचर आर्ट का जो डेवलपमेंट है उसे हमें एंशिएंट इंडिया तक ही देखना है। इसके बाद दोस्तों हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो समझते हैं, इसके पहले हमने आपको इसके पहले आईवीसी के टाइम का और उसके बाद आईवीसी के बाद हमने मॉडर्न पीरियड का आपको डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके मैंने आपको डिफरेंट स्कल्पचर के बारे में भी बताया था, कि टाइप ऑफ स्कल्पचर के बारे में बताया था, टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्कल्पचर के बारे में बताया था, तो मैंने दो तरह के बताए थे। एक बताया था आपको इंडिपेंडेंट जो आइडल्स बनते हैं, जैसे एक इंडिपेंडेंट आइडल है दोस्तों बुद्धा की, एक अपना जो मूर्ति है एक इंडिपेंडेंट आइडल है। और सेकंड मैंने वो बताया था कि जो इंडिपेंडेंट जो नहीं है दोस्तों, जो रिलीफ यानी कि रिलीफ आइडल्स होते हैं जो किसी सरफेस पे ही दोस्तों मटेरियल को ही वहाँ पे मटेरियल को लेकर के या किसी मटेरियल के सरफेस पे ही जब कोई स्कल्पचर बनाया जाता है तो वो दोस्तों रिलीफ आर्किटिया। तो ये कल मैंने आपको स्कल्पचर के बारे में डेवलपमेंट पढ़ाया था। अब हम लोग इसके पहले की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू गोइंग टू डिस्कस वी गो टू डिस्कस स्कल्पचर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ओके दोस्तों, वी कैन सी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर आर्ट ओवर द टाइम देयर वाज थ्री सब स्कूल्स वर डेवलप्ड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ स्कल्पचर स्कूल। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर, देयर वर थ्री मेजर स्कूल्स वर डेवलप्ड इन द टाइम ऑफ मॉडर्न पीरियड। First one Gandhara school, second one Mathura school, and third one Amaravati school. Okay? तो दोस्तों मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला से संबंधित तीन प्रॉपर स्कूल देखने को डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The sculpture in this period has been developed in the three different religions and hence will classify them into three major form, namely Gandhara school, Mathura school and Amravati school. Okay. Ab what was the differences? Basic differences between among all of them, like Gandhara, Mathura and Amravati school. What was the basic differences among all of them? So first one, on a different basis we have to find what was the differences. First one, external influence. Okay, second one, ingredients used. यानी कि दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आखिर इन गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल में जो भी दोस्तों यहाँ पे चेंजेस थे, जो भी ये स्कूल डेवलप हुए, मूर्तिकला से संबंधित जो भी ये विकास हुआ उसके पीछे उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो कई सारे आधारों पर इनमें डिफरेंसेस को देखा जाता है। ओके, जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि इनका बाहरी प्रभाव क्या रहा। ओके, फिर इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए गए, सामग्री क्या यूज़ की गई है दोस्तों, मटीरियल क्या यूज़ किया गया है। एंड देन फिर बात करेंगे रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कौन से धर्म का प्रभाव रहा इन पर, धर्म का प्रभाव। फिर बात करेंगे पैट्रोनेज, मतलब किन शासकों ने दोस्तों उनको पैट्रोनेज संरक्षण प्रदान किया। फिर एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इससे बात करेंगे किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। एंड फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर्स, इन सब पे दोस्तों बात करेंगे। ओके, तो समझते हैं कि करके सबसे पहले गांधार स्कूल में रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है, सॉरी ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। हैवी ग्रीक इन्फ्लुएंस हैंस नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट स्कल्पचर। दोस्तों बुद्धा पे जो गांधार स्कूल में देखने को मिलता है कि हैवी इंडो ग्रीक आर्ट स्कल्पचर का प्रभाव है। ओके, गांधार स्कूल में इंडो ग्रीक दोस्तों हैवी ग्रीक इन्फ्लुएंस हैंस नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट स्कल्पचर, यानी कि दोस्तों गांधार स्कूल पे जो एक ग्रीक एक जो दोस्तों जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं, तो एक जो ग्रीक स्कल्पचर आर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ था, जब वो दोस्तों लेटर मॉडर्न पीरियड में इंडियन कल्चर के साथ एसोसिएट हुआ, तो इसका प्रभाव दोस्तों गांधारा शैली पे पड़ा। ओके, सेकंड मथुरा स्कूल, इट वाज इंडिजिनस एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर। ये दोस्तों पूरी तरीके से देशी था, अपने देश का था, स्वदेशी था। ठीक है, मथुरा स्कूल दोस्तों अपने देश का था एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर, ये किसी भी बाहरी संस्कृति से प्रभावित नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। एंड अमरावती स्कूल, इट वॉज ऑल्सो इंडिजिनस विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। दोस्तों ये भी क्या है, स्वदेशी उत्पत्ति का है, स्वदेशी प्रभाव से संबंधित है, और दोस्तों यहाँ पे भी कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है। केवल विदेशी प्रभाव किस पे है, मथुरा शैली, सॉरी गांधार शैली पे। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स यूज, यानी कि दोस्तों मटेरियल क्या यूज हुआ है, इस पे बात करेंगे, मटेरियल यूज क्या हुआ है। अर्ली गांधार स्कूल यूज्ड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। जो शुरुआती गांधार स्कूल की जो मूर्तियां हैं दोस्तों वो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन से बनाई। लेटर गांधारा यूज मड एंड स्टोको। दोस्तों जो बात की जो बनाई गई है मूर्तियाँ वो दोस्तों मड से यानी कि एक तरीके से मिट्टी से या अन्य दूसरी सामग्री से दोस्तों बनाई गई। स्कल्पचर वॉर मेड ऑफ स्पॉटेड रेड स्टोन। दोस्तों मथुरा स्कूल की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, जैसे चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर जो चुनार की विशेषताएं हैं स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से दोस्तों बनाई गई हैं। ओके, वहीं पे वाइट मार्बल्स वर यूज फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। वहीं दोस्तों अमरावती स्कूल में वाइट मार्बल्स का यूज किया गया है इस मूर्ति को बनाने के लिए। तो मटेरियल के लेवल पे भी आपको तीनों स्कूल में डिफरेंसेस दिखाई दे जाएंगे। अगेन रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें कि इन मूर्तियों पे किस प्रकार के रिलीजियस इन्फ्लुएंस पड़े हैं, तो बुद्धिस्ट इमेजरी बेस्ड ऑन ग्रीको रोमन पैंथियंस। ओके दोस्तों, जो बुद्ध की जो इमेज है, जो उनकी मूर्तियां हैं वो ग्रीको रोमन पैटर्न पे दोस्तों बनाई गई, ग्रीको रोमन पैटर्न पे बनाई गई। ओके, वही मथुरा स्कूल की जो मूर्तियां हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स ऑफ द टाइम, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो तीनों धर्मों को टारगेट करके बनाया गया है। दोस्तों गांधार स्कूल में, गांधार जो मूर्तिकला है वहाँ पे ग्रीको रोमन प्रभाव है, ग्रीक का या तो प्रभाव है या रोम का प्रभाव है, लेकिन दोस्तों मतलब यानी कि ग्रीक के देवता यानी कि जो इंडो ग्रीक्स जो 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 गॉड्स थे या जो रोमन गॉड थे उनका प्रभाव गांधार स्कूल में देखने को मिलता है। बट मथुरा स्कूल में इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट, जो उस दौर में जो तीन प्रमुख धर्म थे उन तीनों धर्मों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अमरावती स्कूल मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, दोस्तों मेनली जो है केवल और केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, पैट्रोनेज यानी कि संरक्षक की बात करें कि इन तीनों कलाओं को, तीनों मूर्ति कलाओं को किन किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, तो हम देखते हैं दोस्तों कि गांधारा स्कूल को कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, वहीं मथुरा स्कूल को कुशाना रूलर ने दोस्तों उनको पैटर्न किया, एंड अमरावती स्कूल को साउथ इंडिया में सातवाहना रूलर्स ने दोस्तों पैटर्न किया। अगर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें कि ये जो स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट है वो कौन से एरिया में डेवलप हो रहा था या कौन कौन से एरिया में इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो तीनों के अपने स्पेसिफिक एरिया हैं, अपने विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे डेवलप हो रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गांधारा स्कूल है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मॉडर्न डे ऑफ कंधारा, यानी कि दोस्तों मॉडर्न डे ऑफ जो कंधारा यानी कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे दोस्तों ये डेवलप हो रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। वहीं पे मथुरा स्कूल इन एंड अराउंड मथुरा, ठीक है, सोंख एंड कंकाली टीला, दोस्तों ये सारा का सारा मथुरा में ही पड़ता है। मथुरा की बात करें, सोंख की बात करें, कंकाली टीला की बात करें, सारा का सारा एरिया मथुरा में ही है दोस्तों। तो एक मथुरा उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मथुरा स्कूल डेवलप हो रहा था। एंड थर्ड, कृष्णा गोदावरी लोअर वैली अराउंड अमरावती एंड नागार्जुनी कोंडा, यानी कि दोस्तों जो कृष्णा गोदावरी जो लोअर वैली है, जो नदियों की जो निचली घाटी है वहाँ पे जो इलाके हैं अमरावती एंड नागार्जुनी कोंडा। आई थिंक दोस्तों अमरावती जो है इस टाइम आपको आंध्र प्रदेश में जो उसकी प्रस्तावित प्रपोज राजधानी है, कैपिटल है, और नागार्जुनी कोंडा भी दोस्तों उसी का पार्ट है। तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास में ये एरिया डेवलप हो रहा था। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर से बात करें तो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ बुद्धा विथ वेवी हेयर्स इज शोन। ओके, यहाँ पे दोस्तों स्पिरिचुअल स्टेट में बुद्धा दिखाई देते हैं विथ वेवी हेयर्स, मतलब दोस्तों एक तरीके से घुंघराले बाल की तरह यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, और लहराते हुए घुंघराते हुए बाल दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिलाइटेड मूड ऑफ बुद्धा विथ स्माइलिंग फेस इन शोन, दोस्तों यहाँ पे बुद्धा जो है डिलाइटेड मूड में दिखाई देते हैं। थोड़ा सा और आगे ही पढ़ लेते हैं। मेडिटेशन, योगी एंड मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, मतलब दोस्तों बुद्धा जो है योगी एंड मेडिटेशन फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। एंड प्रुतबराना ऑन हेड ऑफ बुद्धा इज शोन, ये हॉलो होगा दोस्तों, आप समझ लीजिए इसको, हॉलो यानी कि जिसको आभा मंडल कहते हैं उसकी बात हो रही है कि हॉलो ऑन हेड ऑफ बुद्धा इज शोन, है ना। यहाँ बात करें दोस्तों डिलाइटेड मूड ऑफ बुद्धा विथ स्माइलिंग फेस शोन, दोस्तों मुस्कुराते हुए बुद्धा, चेयरिंग बुद्धा, डिलाइटेड मूड के बुद्धा है दोस्तों। मस्कुलरिटी इज सिंबलाइज्ड, ठीक है ना दोस्तों, मस्कुलरिटी इज सिंबलाइज्ड यानी कि दोस्तों जो उनके शारीरिक जो मस्कुलर है जो उनका जो शारीरिक सौष्ठव है दोस्तों वो दिखाई देता है, उनके शरीर के जो मसल्स हैं वो दिखाई देते हैं, मतलब दुबले पतले बुद्धा को यहाँ पे दिखाया गया है। शेवन फेव एंड हेड, दोस्तों कई जगह जो है उनका शेव कराया हुआ, उनका जो है वो हेड दिखाई देता है दोस्तों, हेड जो है वो शेव कराया हुआ भी दिखाई देता है। एंड पद्मासना एंड प्रोटम्बरेंस इज शोन, दोस्तों यानी कि पद्मासना दिखाई देता है और दोस्तों साथ ही साथ उनका हॉलो भी दिखाई देता है, हॉलो यानी कि उनके सर पे जो एक आभा मंडल है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। ज़्यादातर दोस्तों वो पद्मासन के एक उसे मुद्रा में, पोस्चर में दोस्तों बैठे हुए बुद्धा दिखाई देते हैं। ओके, लेस एम्फेसिस ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा इज शोन, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जातक टेल्स, दोस्तों बुद्धा के जातक स्टोरीज जो उनकी दोस्तों जो उनके पहले की लाइफ है, जो पूर्व जन्म का जीवन है, उससे रिलेटेड दोस्तों बुद्धा की जातक स्टोरीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं जो इंडिया में उस दौर में पोस्ट लेटर मॉडर्न पीरियड में स्कल्पचर आर्ट से रिलेटेड जो तीन स्कूल डेवलप हुए, एक गांधारा, एक मथुरा एंड एक अमरावती, तो वो उससे रिलेटेड दोस्तों ये तीनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया दोस्तों डेवलपमेंट आपका लेटर स्कल्पचर पीरियड, सॉरी लेटर मॉडर्न पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर। एंड नेक्स्ट बात करेंगे गुप्तास पीरियड में। तो नेक्स्ट स्कल्पचर्स इन गुप्तास पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन गुप्तास पीरियड पे बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ, इस पीरियड में सारनाथ के आसपास एक दोस्तों एक नए प्रकार की मूर्तिकला का विकास होते हुए दिखाई देता है। क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल एविडेंट, जहाँ पे क्रीम कलर सैंडस्टोन, क्रीम कलर की यानी कि क्रीम कलर का दोस्तों सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर एंड यूज ऑफ मेटल एविडेंट, यूज ऑफ मेटल्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द स्कल्पचर्स वर इमैक्युलेटली ड्रेस्ड एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकनेस, ठीक है ना दोस्तों, ये जो पहले की तरह जो चीजें देखने को मिलती हैं कि जैसे कि पहले बुद्धा में नेकनेस देखने को मिलती है, वो दोस्तों नेकनेस जो है वो खत्म, यानी कि नग्नता जो है वो जो है दोस्तों वो अब खत्म होने के देखने को मिलती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सुल्तानगंज बुद्धा इन बिहारा, इन बिहार दोस्तों बिहार में सुल्तानगंज एक जगह है जहां पे बुद्ध की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इंडिया में स्कल्पचर आर्ट का जो डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है वो हमें चोला पीरियड में दिखाई देता है। ओके, चोला पीरियड में अकॉर्डिंग दिस बुक, जो गुप्ता पीरियड के बाद दोस्तों जो मूर्ति कला का विकास दिखाया गया है वो चोला पीरियड में दिखाया गया है। चोला टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंटली डेकोरेटेड थ्रू स्कल्पचर्स, दोस्तों जो चोला पीरियड के जो मंदिर थे, ओके, जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो इम्पोर्टेंटली डेकोरेटेड थ्रू स्कल्पचर्स, वो मूर्ति कला से दोस्तों सजाए गए होते थे, मूर्तियों से सजाए गए होते थे। जाहिर सी बात है, कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि दोस्तों कुछ कलाओं का विकास एक साथ ही आपको देखने को मिलेगा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जैसे मंदिर के साथ दोस्तों आपको जहां मंदिर होंगे वहां मूर्तियां होंगी, तो मंदिरों के साथ मंदिर दोस्तों स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट की बात करता है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है मंदिर, तो उसके साथ मूर्तियों का विकास होगा, साथ ही साथ दोस्तों उसी के साथ चित्रकला का विकास होगा, पेंटिंग आर्ट का डेवलपमेंट होगा। फिर दोस्तों जहाँ पेंटिंग आर्ट होगा, जहाँ स्कल्पचर होगा, वहाँ मूर्तियाँ होगी, वहाँ पेंटिंग होगी। फिर वहीं दोस्तों जहाँ मूर्ति होगी वहाँ भक्ति होगी, तो वहाँ पे आपको संगीत का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर जहाँ संगीत होगा दोस्तों वहाँ पे आपको नृत्य देखने को मिलेगा। जहाँ नृत्य होगा दोस्तों वहीं पे आपको नाटक भी देखने को मिलेगा। तो प्राचीन काल में दोस्तों जो धर्म में कलाओं का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है, वो एक्चुअली दोस्तों रिलीजन ओरिएंटेड है, पूरी तरीके से रिलीजन बेस्ड है। तो जो साउथ इंडिया में चोला पीरियड में जो टेम्पल दोस्तों जो डेवलपमेंट हुआ वो टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंटली डेकोरेटेड थ्रू स्कल्पचर्स ऑफ नटराज इन तांडवा डांस, ठीक है ना, पोस्चर इन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक मूर्ति दिखाई दे रही है, ये स्कल्पचर्स ऑफ नटराज इन तांडवा डांस पोस्चर्स इन एन इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर। ये चोला पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे जो बड़ा ही फेमस दोस्तों नटराज शिवा की जो स्कल्पचर है वो चोला पीरियड के दौरान डेवलप हुआ है। ओके, नटराज स्कल्पचर रीज इज पीक अंडर दिस चोला, यानी कि चोला के अंतर्गत, चोला एम्पायर के दौरान जो नटराज की जो आप बता सकते हैं कि जो स्कल्पचर आर्ट है वो अपने पीक पे पहुँच गया। सैलेंट फीचर्स ऑफ नटराजा The upper right hand held the drum. Okay, जो अब आप इसको देख लीजिए दोस्तों, जो अपर राइट हैंड है वो हिल्ड ड्रम, ड्रम के साथ दोस्तों अपर राइट हैंड जो उनका मिला हुआ है डमरू के साथ. द अपर लेफ्ट हैंड हेल्ड इटर्नल फायर विच रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रक्शन. ओके, द लोअर राइट हैंड इज रेज्ड इन द गेस्चर ऑफ अभय मुद्रा सिग्निफाइंग बेनेडिक्शन एंड लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द अप्रेस्ड फुट एंड इंडिकेट्स द पाथ ऑफ साल्वेशन, मोक्षा की तरफ दोस्तों उनका पैर एक दिखाता है, जिस उनका एक हाथ अभय मुद्रा की ओर दर्शाता है. आप देख पा रहे होंगे इनका एक हाथ दोस्तों डमरू पे है तो दूसरा हाथ उनका एक अभय मुद्रा में है. तो दोस्तों एक अन्य जो उनका हाथ है वो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक मोक्ष की दोस्तों मोक्ष के संकेतों की ओर इशारा करता है. तो इस तरीके से दोस्तों इस किताब में ये सारी चीज़ें मतलब जो बताई गई कि नटराजा के डिफरेंट पोस्चर्स किस बात को इशारा करते हैं. इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया. इस किताब के अकॉर्डिंग जो हमारा स्कल्पचर आर्ट है वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आने जा रहे हैं, वो है दोस्तों पेंटिंग आर्ट. ओके, तो धीरज रखिए, पूरे पेशेंस के साथ बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, मुस्कुराते हुए बैठिए और इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग खूब आराम से पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. इस किताब में पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं वो सारी बातें मैंने यहाँ पर ले ली है और अगले एक घंटे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर हम लोग बातें कर लें. मैंने आपको पहले ये बताया था कि मैंने इस बुक के कंटेंट को तो ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं किया है, मतलब एक पॉइंट भी दोस्तों मैंने इस बुक के कंटेंट को चेंज नहीं किया है. एज इट इज़, अगर आप अपनी बुक उठा करके देखें, अगर आप बुक के साथ अंडरलाइन करते हुए अगर चलें तो आपको एज इट इज सेम लाइनें आपको मिलेंगी. आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन एक काम जो मैंने किया है कि उसमें से कुछ चीज़ों को हेर फेर किया है, कुछ चीज़ों को आगे किया है, कुछ चीज़ों को पीछे कर दिया है. ठीक है ना, कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर दिया है. क्यों किया है? दो चीज़ों के लिए मैंने बताया कि बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आर्ट एंड कल्चर पर बन सके, क्योंकि ये किताब जो है कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है तो उसे मैंने एक जगह समेट दिया है. ठीक है ना, जहाँ पे पेंटिंग है वहाँ पे एक जगह कर दिया है, जो आर्ट है उसे एक जगह कर, जो स्कल्पचर आर्ट है उसे एक जगह मैंने कर दिया उसमें कि इस किताब में बिखरी बिखरी जगहों पे, तो मैंने उसे एक जगह कलेक्ट कर दिया है. पहला काम जिससे आपका आपको एक किसी भी आर्ट का अपना एक डेवलपमेंट का आपको एक ऑर्डर आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आपके दिमाग में फिगर बने. तो ये दो वजहों से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे किया है, बाकी मैंने इसके कंटेंट को जरा भी टच नहीं किया है. तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर लेकर के अभी मैं आपके सामने हाजिर हूं, ऐसा स्ट्रक्चर उस बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इस मैंने इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आ जाए चीजें. इस बुक में होगी, कहीं और पे होगी, सामने नहीं होगी, लेकिन आपको समझ में आ जाए चीजें कि पढ़ना कैसे. तो अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन पेंटिंग आर्ट के बारे में कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग आर्ट, भारतीय चित्रकला का विकास. दोस्तों अगर हम भारतीय चित्रकला के बारे में, उसके विकास के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि, और पहले उसके अगर हम उसके बेस पे बात करें कि कितने प्रकार से दोस्तों चित्रकला पाई जाती है. तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स की अगर बात करें तो पहला होगा दोस्तों आपका म्यूरल पेंटिंग एंड सेकेंड होगा दोस्तों आपका मिनिएचर पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग क्या होता है दोस्तों? जो वॉल पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग जो होती है वही होता है आपका म्यूरल पेंटिंग, यानी कि जब वॉल को बेस बना करके, वॉल को कैनवस के तौर पर उसे सही करके, साफ सुथरा करके जब उस पर कोई पेंटिंग की जाती है, वॉल पे जब कोई पेंटिंग की जाती है या वॉल को एक बेस कैनवस बना करके, एक सरफेस बना करके उसे इस तरीके से साफ सुथरा करके दोस्तों जब उस पर कोई पेंटिंग बनाई जाए तो उसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं. लेकिन दोस्तों जब किसी ऐसी चीज़ों पे जो जिस चीज़ का डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो दोस्तों जो नष्ट हो सकती है, जैसे कपड़े पे, छोटी छोटी तख्तियों पे, लकड़ी के पटरियों पे या ऐसे कोई भी चीज़ पे दोस्तों जो पेंटिंग बनाई जाती है, कपड़ों पे या लकड़ी की पटरियों पे या किसी छोटे सरफेस पे, जो पोर्टेबल सरफेस है उस पर जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसे दोस्तों लघु चित्रकला या मिनिएचर बोलते हैं। इसको दोस्तों हिंदी में भित्ति चित्रकला भी कहते हैं, भित्ति चित्रकला कहते हैं, और दोस्तों इसे लघु चित्रकला कहते हैं, लघु चित्रकला कहते हैं। ओके, तो हमें दोस्तों ये दो ही तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो हमें मुराल देखने को मिलेगा या दोस्तों हमें मिनिएचर देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग आर्ट इन एंशिएंट इंडिया, हमें दोस्तों जो डेवलपमेंट जब देखेंगे पेंटिंग आर्ट का तो हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, मिडल इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ। मिडल इंडिया में दोस्तों हमें दो रूपों में देखने को मिलेगा, एक कोर्ट पेंटिंग देखने को मिलेगी और एक रीजनल पेंटिंग देखने को मिलेगी। ओके, कौन सी? एक कोर्ट पेंटिंग देखने को मिलेगी और एक हमें रीजनल पेंटिंग देखने को मिलेगी। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में पेंटिंग के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं कि एक हमें एंशिएंट पे पढ़ना होगा, अगेन दोस्तों हमें पढ़ना होगा मिडल वर्ल्ड में जो पेंटिंग का डेवलपमेंट होगा। उससे मैंने बताया दो तरीके के होंगे आपको, एक तो कोर्ट पेंटिंग होगा और दूसरा होगा आपका रीजनल पेंटिंग, और तीसरा मॉडर्न पेंटिंग, एंड लास्ट फोर दोस्तों हम पढ़ेंगे फोक पेंटिंग। इस ऑर्डर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारी पेंटिंग दो ही तरह की होगी, या तो मुराल होगी या तो दोस्तों मिनिएचर होगी। मुराल यानी कि जो या तो भित्ति चित्र होगा और या नहीं तो दोस्तों कैसा होगा, मिनिएचर होगा, यानी कि लघु चित्रकला से संबंधित होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका परिचय। पेंटिंग फ्लोरिस्ट ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, भारत के प्राचीन काल से ही दोस्तों पेंटिंग का डेवलपमेंट हो रहा था। इन एंशिएंट एंड मिडिल पीरियड द बुक वर इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग्स, दोस्तों प्राचीन और मध्यकाल में जो किताबें लिखी जाती थीं वो किताबें दोस्तों पेंटिंग से कहीं ना कहीं रिलेट करती थी, सजाई जाती थी। मिनिएचर स्टाइल केम एंड डोमिनेटेड द मुगल एंड राजपूत कोर्ट, दोस्तों जो मिनिएचर स्टाइल की जो पेंटिंग है वो ज़्यादातर कब डेवलप शुरू हुई, कब हुई दोस्तों? राजपूत कोर्ट में, यानी कि जब राजपूत शासक भारत में शासन कर रहे थे। राजपूत शासन कब शासन कर रहे थे दोस्तों? 1200-750 AD के बाद से 1206 का जो टाइम है दोस्तों, इस टाइम पीरियड को राजपूत काल कहते हैं, राजपूत पीरियड कहते हैं। 750 AD टू 1206 टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? राजपूत एज कहते हैं। तो इस दौरान दोस्तों मिनिएचर जो लघु चित्रकला का डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगा और यहीं से दोस्तों आगे भी चलता रहेगा। पूरे मिडल इंडिया में आपको ज़्यादातर एंशिएंट में आपको मैक्सिमम आपको मिलेगा वॉल पेंटिंग यानी कि मुराल पेंटिंग, और मेडिवल में दोस्तों ज़्यादातर आपको मिलेगा, यानी कि एंशिएंट में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको मुराल पेंटिंग मिलेगी एंशिएंट में। ओके, लेकिन जैसे हम मेडिवल इंडिया में आएंगे अब यहाँ से हमारी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से हमारी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एंड फिर दोस्तों जो फोक पेंटिंग होगी वो दोनों टाइप की होगी, यानी कि वो आपको मुराल भी मिलेगी और दोस्तों आपको वो मिनिएचर भी मिलेगी, दोनों तरह की मिलेगी, याद रखिएगा। फोक पेंटिंग तो दो ही कैटेगरी में पूरी पेंटिंग इंडिया की डेवलप है, यानी कि बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आपका मुराल है या तो आपका मिनिएचर है। With the coming of Europeans, the art of painting and engraving took a western turn। दोस्तों जब यूरोपियंस भारत में आए तब दोस्तों क्या हुआ कि जो यूरोपियन पेंटिंग का प्रभाव भारतीय पेंटिंग पे पड़ना शुरू हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जिसको पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं दोस्तों। पेट्रोग्लिफ्स मतलब होता है जो शैल, पत्थरों को काटकर पत्थरों पे जो बनाई जाती है, पत्थरों की दीवारों पे, शैल उत्कीर्ण जिसे कहते हैं, शैलों पे जो उत्कीर्ण किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि दोस्तों कोई पत्थर है, कोई गुफा है, कोई केव है, और उस पर किसी सरफेस पर, केव सरफेस पर, और जब उसे हम किसी माध्यम से, किसी मीडियम से जो हम पेंटिंग करते हैं तो पेट्रोग्लिफ्स कहलाता है। They were generally executed on rocks, and these rocks engravings were called petroglyphs. Okay, दोस्तों मैंने बताया कि जब रॉक पे वो लोग क्या करते हैं, दीवारों पर जब वो पेंटिंग बनाते हैं, जो दीवारों पे पेंटिंग बनाते हैं, ये टाइम कौन सा है दोस्तों? प्री हिस्टोरिक पीरियड. ओके, भारत में दोस्तों मैंने आपको पहले दिन इसलिए बता दिया कि जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया का जो डेवलपमेंट है, टाइम पीरियड का जो डेवलपमेंट है, उसे बहुत अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले शुरुआत प्री हिस्टोरिक का होता है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक होगा, प्री हिस्टोरिक के बाद आईवीसी होगा, आईवीसी के बाद वैदिक पीरियड है. तो मैंने डे 1 ही आपको बता दिया था कि अगर आपको अच्छे ढंग से समझना है हिस्ट्री को, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर को, तो आपको पहले एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन जानना जरूरी है कि व्हाट वाज द टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया आपको जानना जरूरी है. ओके, तो दे वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स एंड दीज रॉक्स एनग्राविंग्स वर कॉल्ड पेट्रोग्लिप्स. जो इस पे पेंटिंग्स बनाई गई है उसे क्या बताया था मैंने? पेट्रोग्लिप्स बोलते हैं. और आप ये देख सकते हैं कि देयर आर बेसिकली 3 मेजर फेजेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. ओके दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के भी 3 फेजेस हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के यहाँ पे पेंटिंग्स दीवारों पर बनाई गई है. प्री हिस्टोरिक फेज के एग्जाम्पल्स हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड 4000 to 10, ये उल्टा हो गया है, 40,000 to 10,000 होगा अपर पैलियोलिथिक पीरियड. ओकरे आर गेरू मिनरल्स वॉज बेसिकली यूज मिक्सड विथ लाइम एंड वाटर. यहाँ पे एक 0 और होना चाहिए था. ओकरे आर गेरू मिनरल्स, ये गेरू मतलब दोस्तों गेरुआ रंग, आप जानते होंगे गाँव में घरों में गेरुआ रंग होता है, ठीक है, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर जैसा होता है. ओकरे आर गेरू मिनरल्स वर बेसिकली यूज्ड मिक्स विथ लाइम एंड वाटर, जिसे लाइम यानी कि दोस्तों चूना और पानी के साथ मिला करके ये पेंटिंग बनाई जाती थी. ओके, रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड. रेड कलर, वाइट कलर, येलो, ग्रीन एंड डिफरेंट दूसरे कलर दोस्तों यहाँ पे खूब ज़्यादा यूज किए गए. रेड वॉज यूज्ड फॉर हंटर्स, ग्रीन फॉर डांसर्स. दोस्तों रेड जो यूज किए गए हैं वो डांसर्स के लिए, ठीक है ना, हंटर्स के लिए सॉरी, एंड जो ग्रीन है वो डांसर्स के लिए यूज किए. नियोलिथिक पीरियड में भी बहुत सारे पेंटिंग्स प्राप्त हुए हैं, यानी कि दोस्तों जो पैलियोलिथिक, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो आपको आर्ट एंड कल्चर समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी है. तो प्री हिस्टोरिक को अलग अलग फेज में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. ओके, तो नियोलिथिक में रेड कलर वॉर प्रोमिनेंटली यूज्ड. रेड कलर दोस्तों बहुत यूज हुआ है नियोलिथिक में. साइज ऑफ पेंटिंग वर स्मॉलर कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड. अब दोस्तों छोटे पेंटिंग्स बनाए जाने लगे. ग्रुप हंटिंग, ग्रेजिंग, राइडिंग वॉज यूजुअली डिपिक्टेड. यानी कि ग्रुप हंटिंग शिकार करते, ग्रेजिंग मतलब चारा करते हुए, राइडिंग मतलब शिकार, उस पर दोस्तों बैठते हुए, वॉज यूजुअली डिपिक्टेड यहाँ पे बनाया गया है. मुराल पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया. ओके, अब दोस्तों हम लोग डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि मुराल पेंटिंग जो डेवलप हुई एंशिएंट इंडिया में. ओके, तो आपने देख लिया पेट्रोग्लिप्स हो गया जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिला. अब दोस्तों प्री हिस्टोरिक के बाद जो टाइम आएगा, अब हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, से मुराल पेंटिंग के डेवलपमेंट को देखेंगे. द वर्क ऑन द वॉल्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर आर रिफर्ड एज नेचुरल्स. ओके, नेचर्स होना चाहिए. ओके, द वर्क ऑन द वॉल्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर आर रिफर्ड एज नेचर्स, मतलब प्रकृति से दोस्तों रिलेटेड जो भी वर्क किए गए, जो सॉलिड स्ट्रक्चर पे जो दोस्तों पेंटिंग बनाई गई, वो आपका मुराल पेंटिंग. द मुराल पेंटिंग कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक अजंता, अर्मामलाई केव्स, बाघ केव्स एंड अदर्स etc. ओके, दोस्तों जो मुराल पेंटिंग है, मैंने अभी बताया था आपको कि मुराल पेंटिंग जो है वो गुफाओं की दीवारों पे पेंट से जो है पेंटिंग की जाती है, तो वो मुराल पेंटिंग है. केव की दीवारों पे, किसी प्लेन सरफेस पे, यानी कि केव के वॉल पे, केव वॉल पे जब उसे प्लेन सरफेस बना करके उस पर पेंट से पेंटिंग की जाती है, पेंट से, नेचुरल पेंट से पेंटिंग की जाए, तो वो दोस्तों मुराल पेंटिंग. तो ऐसे इंडिया में दोस्तों एक अच्छा खासा डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है मुराल पेंटिंग का. पूरे एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से मुराल पेंटिंग के सेंटर डेवलप हुए, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अजंता है, अर्मामलाई केव्स, अजंता केव्स जिसे बोलते हैं, एंड बाघ केव्स etc. Okay, mostly found in naturals, caves on rock cut chambers. यानी कि दोस्तों जो मैंने बताया रॉक कट चैम्बर्स यानी कि जो गुफाओं को काट करके ही इसे ज्यादातर बनाए गए हैं. हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन ओके थीम आर मेनली फाउंड. ओके, तीनों धर्मों के दोस्तों जो चित्रकला है, जो चित्रकला जो पेंटिंग देखने को मिलती है वो तीनों रिलीजन से रिलेटेड मिलती है. ओके, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन. इट कैन बी फाउंड इन एंशिएंट थीम थिएटर रूम इन जोगीमारा केव्स. दोस्तों हम इसे एंशिएंट थिएटर रूम जोगीमारा केव्स में भी दोस्तों ऐसी पेंटिंग को देख सकते हैं. ओके, सम ऑफ द मेजर एग्जांपल्स ऑफ मुराल पेंटिंग आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर. दोस्तों कुछ जो आपके जो मुराल पेंटिंग के जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं. अजंता केव पेंटिंग पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है वो है अजंता केव पेंटिंग. अजंता it has a set of 29 caves, Buddhist caves. Okay, 29 caves यानी कि Buddhist caves. अजंता के दोस्तों जो 29 caves हैं वो completely Buddhist caves हैं. The walls have both the mural and fresco painting. दोस्तों जो यहाँ की दीवारें हैं वो दोनों तरीके से पेंटिंग बनाई गई. मुराल मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दोस्तों इसको ब्यूनो भी बोल सकते हैं एंड फ्रेस्को यानी कि दोस्तों फ्रेस्को मतलब कह सकते हैं कि गीली दीवार, ठीक है ना. ब्यूनो का मतलब सूखी दीवार, ठीक है ना, सूखी दीवार पे यानी कि दोस्तों सरफेस को जब सरफेस बनाया गया और सरफेस को फिर दोस्तों क्या गया ड्राई बना लिया गया तो वो ब्यूनो हो गया. एंड दोस्तों जब सरफेस को क्या बना लिया गया, जब गीला ही दोस्तों सरफेस पे जब पेंटिंग की गई, वेट सरफेस पे जब पेंटिंग की गई तो उसको फ्रेस्को कहा गया. टेम्पेरा स्टाइल यूज ऑफ पिगमेंट इज एविडेंट. दोस्तों टेम्पेरा स्टाइल का जो पिगमेंट है, जो कलर का तरीका बनाने का है, टेम्पेरा स्टाइल एक कलर बनाने का तरीका है, ठीक है ना. पिगमेंट इज एविडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ह्यूमन वैल्यूज एंड क्लॉथिंग etc इज पोर्ट्रेट. दोस्तों जो ह्यूमन वैल्यूज यानी कि जो मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्य एंड क्लॉथिंग्स उनके कपड़े, उनके स्टाइल, उनके केश विन्यास, उनके बाल बनाने के तरीके, उनकी विभिन्न भावनाएं, उनकी फीलिंग्स को दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है इन चित्रों में दर्शाया गया है. जातका स्टोरी टू लाइक अ बुद्धा इज द मोस्ट कॉमन थीम. दोस्तों जो जातक स्टोरी है जो लाइक अ बुद्धा इज द मोस्ट कॉमन थीम, ये यहाँ पे कॉमन चीज देखने को मिलती है. दोस्तों जातक स्टोरीज जो है वो बुद्धा के पिछले जन्म की स्टोरीज होती हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स यहाँ पे बनाई गई हैं. नेक्स्ट एलोरा केव्स पेंटिंग्स. एलोरा केव पेंटिंग पे बात करेंगे. द मुराल पेंटिंग आर मोस्टली फाउंड इन केव नंबर 16 इन कैलाश टेम्पल. दोस्तों अजंता से करीब 100 किलोमीटर दूर एक दूसरी केव, एक आपको हिल्स मिलेगी जिसको एलोरा केव्स बोलते हैं. इसी एलोरा केव्स में और भी बहुत सारी मुराल पेंटिंग्स मिली हुई. The mural painting are mostly found in cave number 16 in Kailash temple. दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे भी करीब 34 यहाँ पे भी दोस्तों एलोरा में भी 34 केव्स हैं टोटल, और उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों जो है वो कैलाश टेम्पल है. ओके, उसमें से एक कैलाश टेम्पल है जो कि गुफाओं को काट करके ही, सॉरी पत्थरों को, हिल्स को, रॉक को काट करके ही दोस्तों कैलाश टेम्पल बनाया गया. उससे रिलेटेड जो केव है 16 वो ज़रा इंपॉर्टेंट है. It was done in two phases. In the initial phase, Lord Vishnu is portrayed, and later phase in Gujarati style, Shiva is depicted. ठीक है ना. तो important ये है दोस्तों कि जो इसके दो फेजों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है. जो हिंदू स्टाइल के जो भी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो एलोरा केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो तीनों धर्मों से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना. यहाँ पे तीनों धर्मों की गुफाएं भी हैं. यही दोस्तों एलोरा की सबसे बड़ी खासियत है. यहाँ पे जैनिज्म भी है, यहाँ पे बौद्धिज्म भी है और यहाँ पे हिंदुइज्म भी है. तीनों रिलीजन से रिलेटेड दो चीजें मिलती हैं. तो जो हिंदुइज्म के केव्स हैं वहां से आपको क्या क्या मिली है. इट वॉज डन इन टू फेजेस. इनिशियल फेज, ये दोस्तों दो फेज में डेवलपमेंट हुआ है इसका. तो इनिशियल फेज लॉर्ड विष्णु, जो फर्स्ट फेज है वो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। एंड दोस्तों जो अदर फेज है, जो बाद का फेज है, वो शिवा से रिलेट करता है। All the three religions, Buddhism, Jainism and Hinduism is themed। मैंने बताया अभी यहीं पे बात, जो यहाँ की लिखी हुई है बात मैंने यहाँ बता दिया। ओके, नेक्स्ट बाघ के पेंटिंग्स। इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्कूल। दोस्तों एक तरीके से ये अजंता स्कूल का ही विस्तार है। इट वॉज द एक्सटेंशन ऑफ, ऑल्सो इट वॉज द एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्कूल। It known as the Bagh cave paintings. These caves in MP rank quite close to the actual Ajanta cave in the terms design and decorations. Design and decoration होना चाहिए था, D होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा mistake है टाइपिंग। These caves in MP rank quite close to the actual Ajanta caves in term design and decoration, यानी कि अजंता केव के काफी क्लोज हैं अपने डिजाइन एंड डेकोरेशन में। The painting are more secular in nature. ठीक है, इन द कंपेरिजन ऑफ अजंता द बाघ के पेंटिंग्स वर सो मोर सेकुलर इन नेचर। ओके, यानी कि दोस्तों ये ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अजंता केव्स हैं, ठीक है, दोनों में खूबसूरती और डिजाइन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजंता केव्स की जो मूर्तियां हैं, सॉरी जो पेंटिंग है, वो धार्मिक हैं, धार्मिक विषयों से रिलेटेड है, रिलीजियस टॉपिक से रिलेटेड है, रिलीजियस वहाँ पे मुद्दे दोस्तों इश्यूज बताए गए। लेकिन जो बाघ केव की पेंटिंग है वो बाय नेचर कैसे हैं, सेकुलर हैं, मतलब वहाँ धर्म से नहीं, मतलब वर्ल्डली टाइप के, सेकुलर से ज़्यादा दोस्तों सही वर्ड होगा वर्ल्डली है, यानी कि इस लौकिक दुनिया से दोस्तों ज़्यादा संबंधित है, लौकिक दुनिया से, इस दुनिया से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है अरमामलाई केव पेंटिंग्स, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। situated in Vellore, Tamil Nadu, Armamalai is situated in Vellore, Tamil Nadu. These caves were later converted into a giant temple in 8th century. दोस्तों ये केव जो है शुरू में तो आप देख सकते हैं कि ये उससे रिलेटेड है दोस्तों, सॉरी ये ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, ब्राह्मीण यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन बाद में दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन जैन टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। तो अरमामलाई केव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। The beautiful color painting on wall and roof reflect the tales, okay, of aesthetic palakas and Jainism, okay। यानी दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं कि the beautiful colors painting on wall and roof reflect the tales। यहाँ पे दोस्तों इनके छतों पे, इनकी दीवारों पे beautiful colors देखने को मिलते हैं, जिसे aesthetic palakas and Jainism दोस्तों देखने को मिलता है। ये एस्थेटिक पालकास भी एक तरीके से उस दौर का एक सेक्ट था। एंड दोस्तों जैनिज्म में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट सित्तानावसल के पेंटिंग्स की बात हो रही है। सित्तानावसल के पेंटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों ये भी लोकेट करता है। This famous rock cut cave temple painting are based on Jainism, ठीक है ना। This famous rock cut temples painting are based on Jainism। Jainism पे दोस्तों आधारित है। सित्तानावसल पेंटिंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। Resemble closely to Bagh and Ajanta painting, दोस्तों ये काफी कुछ बाघ और अजंता पेंटिंग से दोस्तों काफी करीब है, उनके काफी क्लोज दिखता है, उनके जैसा ही दिखता है, स्टाइल और टेक्निक में उनके जैसा ही दिखता है। जैन थीम मैंने पहले ही बता दिया। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पेंटिंग इज अ पॉन्ड विथ लोटस, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस पेंटिंग की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका मेन बात यह है कि इस पेंटिंग में दोस्तों पॉन्ड होगा, उस पॉन्ड में लोटस होंगे। लोटस को दोस्तों यहाँ पे पेंटिंग पॉन्ड में दिखाया जाता है। ये ज़रा इसका सेंट्रल थीम है, ये ध्यान रखना है। तो सित्तानावसल से दोस्तों ये दो एक बात भी इंपॉर्टेंट होगी कि इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड जैन थीम्ड है। एंड लास्टली दोस्तों पेंटिंग इज पॉन्ड विथ लोटस के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग। लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग लोकेटेड अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों लेपाक्षी जो टेम्पल पेंटिंग है वो कहाँ पे है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। दीज मुराल पेंटिंग वर एग्जीक्यूटेड इन वीरभद्र टेम्पल वॉल एट लेपाक्षी, ठीक है। लेपाक्षी के दोस्तों ये वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी में ये वहाँ पे ये पेंटिंग खासकर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसका थीम है रामायणा, महाभारत एंड विष्णु इनकारनेशन थीम इज फॉलोड। यानी दोस्तों इस टेम्पल में, इस टेम्पल के जो पेंटिंग में वो क्या क्या देखने को मिलता है, आपको रामायण की कथाएं देखने को मिलेंगी, आपको रामायण की देखने को मिलेंगी, महाभारत की कथाएं देखने को मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको विष्णु इनकारनेशंस यानी कि विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। जो विष्णु के अलग अलग अवतार हुए, जो दशावतार जिसे आप लोग पढ़ते हैं, तो जो अवतार हुए दोस्तों वो अवतार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कलर्स आर एब्सेंट। दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी कलर देखने को नहीं मिलते, बल्कि सारे के सारे सेकेंडरी कलर ही यूज होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर आर स्मॉल एंड डिटेल पेंटिंग्स। आप इसके बारे में पढ़ते हैं। जितना भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाना था वो सारी पेंटिंग जो मुराल पेंटिंग से रिलेटेड थी वो मैंने सारी आपको पढ़ा दी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो भारत में डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने पहली क्लास आपको बता दिया कि painting, there were two types of painting: on the basis of technique and the basis of roof canvas. On the basis of surface, we can classify two types of painting, first one mural and second one miniature. Okay, so I have already discussed the development of mural painting in ancient India. Now we have to go to discuss about the development of miniature painting in ancient and Middle India. Okay. first of all, techniques. Paintings should not be longer than 25 square inches. दोस्तों जो मुराल पेंटिंग, जो मिनिएचर पेंटिंग है वो 25 इंच से ज्यादा नहीं है, बड़ी नहीं है। Not be longer than 25 square inches. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो 25 इंच का स्क्वायर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 25 मतलब 2 फीट, ओके, लगभग 2 फीट। द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग वुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ एक्चुअल साइजेस। ओके, आइए दोस्तों बात करते हैं अर्ली मिनिएचर्स। जो शुरुआती मिनिएचर का डेवलपमेंट भारत में हुआ, they were often painted for either books or albums or perishable material including papo, palm leaf and cloths. Okay, दोस्तों जो अर्ली मिनिएचर्स बने गए, they were often painted for the either book, ये दोस्तों अक्सर बुक्स के लिए बनाई गई, एल्बम्स के लिए बनाई गई ये पेंटिंग, on perishable material including papo, palm leaf and cloths। एंड दोस्तों ऐसे मटेरियल पे बनाए गए जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लाइक पाम लीव्स यानी कि ताड़पत्रों पे या कपड़ों पे। अब दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग के 2 प्रोमिनेंट स्कूल वर डेवलप्ड। हम इसके 2 प्रॉपर स्कूल डेवलप होते हुए भारत में देख सकते हैं। जो मिनिएचर पेंटिंग स्कूल है उसके 2 प्रॉपर स्कूल डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। जो मिनिएचर पेंटिंग है उसके 2 स्कूल डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। पहला है पाला स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, पाला स्कूल ऑफ आर्ट। दोस्तों पाल कौन लोग थे? पाल शासक थे दोस्तों, पाल रूलर्स थे जो बंगाल में रूल कर रहे थे राजपूत एज में। याद रखिएगा कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत जो होगी वो राजपूत एज से होगी, राजपूत काल से होगी। और राजपूत काल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका टाइम पीरियड है 752 to 1206। इस दौरान इंडिया में बहुत सारे राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे। उसी राजपूत रूलर्स में से एक राजपूत रूलर्स थे जो पाल रूलर्स थे, जो बंगाल में रूल कर रहे थे, और उन्हीं के दौरान दोस्तों ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इट वॉज फ्लोरिस्ट बिटवीन 750 to 1150, जैसा मैंने अभी बताया कि ये उसी दौरान डेवलप होगा। पार्ट ऑफ मैनुस्क्रिप्ट्स एंड एग्जीक्यूटेड ऑन पाम लीफ एंड वेलम पेपर। ओके दोस्तों ये जो बनाया गया वो ज्यादातर वेलम पेपर पे या पाम लीफ पे दोस्तों बनाया गया, पाम ताड़पत्रों पे बनाया गया। लॉन्ग सिंगल फिगर्स रेदर देन ग्रुप पेंटिंग्स। दोस्तों ग्रुप पेंटिंग का अभाव है, ग्रुप मतलब सामूहिक पेंटिंग की जगह पे लॉन्ग सिंगल फिगर्स, एक व्यक्ति की दोस्तों बड़ी चित्रकारी, एक व्यक्ति की, जिसे पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं, तो वैसा वैसा कुछ कुछ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, लॉन्ग सिंगल फिगर्स यहाँ पे बनने शुरू हुए, एक व्यक्ति का दोस्तों फिगर बनना शुरू हुआ। द प्रोमिनेंट पेंटर्स वर धीमान एंड विटपाल। दोस्तों पाला स्कूल के जो प्रोमिनेंट पेंटर्स हुए वो थे धीमान एंड विटपाल। नेक्स्ट अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। दो स्कूल बताए। पहला स्कूल मैंने बताया आपको कि एक था आपका पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड सेकंड मैंने बताया आपको अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। बात करते हैं। ओरिजिनेटेड इन गुजरात एंड मेवार रीजन इन राजस्थान। ओके दोस्तों ये अपभ्रंश जो स्कूल है ये ओरिजिनेटेड इन गुजरात एंड मेवाड़ रीजन राजस्थान और मेवाड़ के इलाकों में दोस्तों डेवलप हुआ। राजस्थान एवं मेवाड़ के गुजरात और मेवाड़ यानी कि गुजरात के और गुजरात में दोस्तों डेवलप हुआ। प्रीडोमिनेंट इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 11th टू 15th सेंचुरी। 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों राजस्थान और गुजरात में उसको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैन थीम्ड इन अर्ली एंड लेटर वैष्णव स्कूल एप्रोप्रिएटेड दैन टू। दोस्तों शुरू में से जैन थीम से संबंधित था यानी कि जो उसके टॉपिक थे, जो उसके विषय थे, जो सब्जेक्ट थे इस पेंटिंग के अपभ्रंश स्कूल के, वो जैन थीम लिए गए थे। बट दोस्तों बाद में फर्दर क्या हुआ कि इसमें वैष्णव स्कूल से भी दोस्तों इसमें शामिल कर लिया गया। वैष्णव स्कूल की भी चीजें ले ली गई। अभिषेक मैं आपका इसका आंसर करता हूं, आपने सही बताया। एक्चुअली जो राजपूता एज है ना उसका टाइम पीरियड है 750 टू 1206, क्योंकि 1206 में मंगल ये यहाँ पे सल्तनत पीरियड की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। ओके तो हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड होता है ना उसका कोई अपना खास एग्जैक्टली कोई डेडलाइन नहीं होता। ये पूरा टाइम मैंने आपको बताया कि ये रफली एक टाइम है, ये रफली बताया, मोटा मोटा बताया कि वो टाइम है। इसको डेट को आप ये यहाँ मत मानिए कि आप इसे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहाँ भी मान लीजिए और अगर मैं 1206 बोल रहा हूँ तो भी मान लीजिए, बोथ आर करेक्ट। ओके क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आज रात 12 बजे ये चीज़ हुआ और ये फिर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, सुबह उठेंगे तो नया काल शुरू हो जाएगा, इसी टाइम तक इसी 12 बजे रात तक राजपूत काल होगा, ऐसा नहीं होता है और सुबह उठेंगे तो सल्तनत पीरियड हो जाएगा, ऐसा कम होता है। एक ट्रेंड देखने को मिलता है। तो एक ट्रेंड मैंने बताया है आपको कि पाला स्कूल का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट जो है वो 752, हो सकता है किसी किताब में आपको 700 ही मिल जाए। ओके चलिए तो जैन थीम होता है अपभ्रंश स्कूल में जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। एक तो ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा, एक वेस्टर्न पार्ट में। जो ईस्टर्न पार्ट में दो स्कूल दो अलग डायरेक्शन में दिखाई देंगे। ईस्टर्न पार्ट में पाल शैली, पाला स्टाइल एंड दोस्तों वेस्टर्न पार्ट में अपभ्रंश स्टाइल। ओके इधर दोस्तों जो है वो बौद्धिज्म को वो करेगा, सपोर्ट करेगा, बौद्धिज्म को पैटर्न करेगा और ये दोस्तों जैनिज्म को पैटर्न करेगा। बट फर्दर दोस्तों अपभ्रंश स्टाइल वॉज पैटर्न टू वैष्णव स्कूल। वैष्णव मतलब थीम्स ऑफ वैष्णव। ओके यानी कि विष्णु से रिलेटेड जो थीम है उसे पैटर्न करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग। अब हम लोग दोस्तों पढ़ चुके, अब सल्तनत पीरियड का भी एक मिनिएचर पेंटिंग आपकी बुक में है, दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैंने उसे लिया नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम। जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग। नेक्स्ट है अर्ली मुगल पेंटर्स। बाबर पैट्रोनाइज्ड बेहजाद, अ पर्शियन आर्टिस्ट हु मेड सम इलस्ट्रेशंस ऑफ द मुगल फैमिली ट्री। ओके व्हिच नोन वाज खानदान तैमूरिया। बाबर पैट्रोनाइज बेहजाद वो पर्शियन आर्टिस्ट था, एक फारसी चित्रकार था जिसे बाबर ने दोस्तों संरक्षण दिया, पैटर्न दिया। ओके मेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मुगल फैमिली ट्री जिसने एक खानदान तैमूरिया नाम की किताब को उसने लिखा है दोस्तों, बताया है। वही जो मुगल फैमिली ट्री की बुक है उसको दोस्तों एक तरीके से शुरुआत उसके समय में। ड्यूरिंग हुमायूं पीरियड ही ब्रॉट विथ टू मेन पेंटर्स फ्रॉम पर्शिया नेमली अब्दुल समद and Mir Sayyid Ali, and they were responsible for bringing Persian influence in the Mughal painting. मुगलों के साथ दोस्तों आपको पता है कि हुमायूं जो है जब दर दर भटकता रहा, जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को देश के बाहर निकाल दिया और जब वो दर दर भटकता रहा तो इस दौरान वो ईरान में रहा दोस्तों, और ईरान के कुछ वो फेमस पेंटर्स के टच में आया जिसमें दो बड़े नाम, एक अब्दुल समद और एक मीर सैयद अली। जब वो वापस इंडिया का एम्पायर उसने जब अचीव किया तो अपने साथ उन्हें लेकर के आया और इन्हीं के आने के साथ मुगल पेंटिंग पे, इंडियन पेंटिंग पे पर्शियन पेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। पर्शियन पेंटिंग का इन्फ्लुएंस इनके आने के बाद देखने को मिलने लगता है। नेक्स्ट, अकबर के टाइम में दोस्तों पेंटिंग का डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन अकबर। ही एस्टेब्लिश एन एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू पेंटिंग एंड स्क्राइबिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों अकबर पेंटिंग को बहुत बड़ा पैटर्न करने वाला किंग बना, उसने बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पैटर्न किया और ही वॉज एस्टेब्लिश एन एंटायर डिपार्टमेंट, ही वॉज एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट पेंटिंग डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग during his reign, okay, devoted to painting and scribing of his documents. An artistic studio named Tasveer Khana was established. दोस्तों उसने एक artistic studio बनाया जिसका नाम तस्वीर खाना रखा, ठीक है, उसको उसने स्थापित किया, ठीक है ना, artistic studio बनाया। He invited talented artists from other empire to which embarked the Indian influence too. उसने दुनिया के दूसरे साम्राज्यों से भी जो टैलेंटेड चित्रकार थे उन्हें अपने देश में बुलाया, उन्हें सम्मानित किया। फिगर वर यूज, 3D फिगर वर यूज, दोस्तों पहली बार 3D फिगर्स बनाए जाने लगे पेंटिंग में। कैलीग्राफी वाज इनकोर्जेट, दोस्तों कैलीग्राफी भी यानी कि सजावट के लिए दोस्तों कैलीग्राफी भी यूज होने लगी। दसवंत, बसावन एंड केसु वर द फेमस पेंटर्स। दोस्तों उसके टाइम में जो इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं वो दसवंत, बसावन एंड केसु was the famous painters, okay। Next, जहांगीर। everything clear, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? आप जरा कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप में से कोई कमेंट करे, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। All good, okay। ओके, थोड़े से लेट में कमेंट आते हैं, मैंने इतनी देर पहले कहा तो आपके कमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट दोस्तों जो मुगल एम्पायर, विच मुगल एम्पायर वॉर पैटर्न द टाइम ऑफ जहांगीर वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड for the development of painting in Mughal period. Mughal painting reached its zenith during his period, ठीक है दोस्तों। मुगल पेंटिंग जो था वो जहांगीर के टाइम अपने जेनिथ पे, अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा। फ्लोरा एंड फना वर प्रोमिनेंटली पेंट, दोस्तों फ्लोरा एंड फना यानी कि वनस्पतियों की दोस्तों पेंटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे की गई, ठीक ना। नेचुरल हर्ब्स जिसे कहते हैं, वनस्पतियाँ, उसकी पेंटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है जहांगीर के टाइम। डेकोरेटेड मार्जिन्स वर डेवलप्ड, दोस्तों डेकोरेटेड मार्जिन्स यानी कि किनारे के दोस्तों जो बॉर्डर्स होते हैं, जो मार्जिन्स होते हैं, वो सुंदर बॉर्डर्स दोस्तों यहाँ पे बनाए गए जहांगीर के टाइम में। ही हिमसेल्फ वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट आर्टिस्ट बट नन ऑफ हिज क्रिएशन सर्वाइव। वो खुद दोस्तों पेंटिंग का एक बहुत अच्छा जानकार था लेकिन उसकी कोई पेंटिंग की रचना नहीं मिलती। उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर, उस्ताद मंसूर जो थे उसके दौर के एक बड़े ही फेमस पेंटर हुआ करते थे। श्योर, बहुत अच्छा करते हैं आप। स्वधिस्मिता सौर, आप प्लीज़ नोट्स बनाएं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मिडल पीरियड के दौरान ही मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ड्यूरिंग द मिडल पीरियड इंडिपेंडेंट रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग वर डेवलप्ड in the time of medieval period from the, in 1506 to 1707. Okay, and during Mughal period, during medieval period, independent painting art were developed, like regional painting or regional school of painting. We can say regional school of painting. Okay, regional school of painting were parallel developed during Mughal court painting or miniature paintings. Okay. It was parallel developed of Mughal court. Okay, apart from the dominance of Mughal style of painting, there were some sub-imperial schools which had their Indian roots and colorful paintings. Apart from the dominance of Mughal style of paintings, there were some sub-imperial schools which had their Indian roots and colorful paintings. यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों जो regional school of painting कहलाता है. रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम दो हिस्सों में दो जगहों पे दोस्तों बांट सकते हैं. रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग को दो रीजन्स इसके बड़े फेमस रीजन हैं. फर्स्ट है दोस्तों राजस्थान एंड सेकंड है आपके पहाड़ी स्टाइल जिसे बोलते हैं. राजस्थान एंड पहाड़ी स्टाइल. First of all, Rajasthani style, Rajput style. We're going to discuss the Rajasthani or Rajputa style. The arrival of Mughal artists to Bikaner, Jodhpur, and Kishangarh marked the starts of this style. दोस्तों जब मुगल एम्पायर के डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं, जब वो मुगल कोर्ट से बीकानेर, जोधपुर एंड किशनगढ़ में आए, तब इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है. राजस्थानी स्कूल हैड सर्टेन सब ब्रांचेज एज वेल. लाइक राजस्थानी स्कूल के दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेज हैं. मेवाड़, जिसमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है. साहबदीन वॉज एन इम्पॉर्टेंट पेंटर हु फोकस्ड ऑन लिटरेरी टेस्ट लाइक रागामल, रामायण, भागवत पुराण एंड etc. ओके, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की दोस्तों ये खासियत है कि साहबदीन इसके फेमस दोस्तों इसके वो important इसकी पर्सनैलिटी इस पेंटिंग से रिलेटेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पेंटर फोकस ऑन लिटरेरी टेस्ट, जिसमें रागामल है, रामायण और भागवत पुराण को दोस्तों ध्यान में रख करके पेंटिंग्स बनाई गई मेवाड़ पेंटिंग. आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इट इज ऑल्सो नोन एज धुआंधार स्कूल. दोस्तों आमेर जयपुर स्कूल पेंटिंग को धुआंधार स्कूल पेंटिंग भी बोलते हैं. Folk style painting is prominent. Savai Pratap Singh was the greatest person जिन्होंने दोस्तों इसको पैटर्न किया. ओके, सवाई प्रताप सिंह वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन जो दोस्तों इसको डेवलप करते हैं. सवाई प्रताप सिंह आमेर जयपुर पेंटिंग की खासियत है ये. नेक्स्ट मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, इट इंक्लूड्स जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर. इन दीज पेंटिंग्स मेन एंड वुमेन वर कलरफुल क्लॉथिंग. इस पेंटिंग में जो पुरुष और महिलाएं हैं वो कलरफुल क्लॉथिंग्स में दिखाई देते हैं. किशनगढ़ स्कूल एंड बुद्ध स्कूल आर द प्रोमिनेंट स्कूल दैट कम अंडर मेवाड़ स्कूल. ओके, किशनगढ़ स्कूल एंड जो बूंदी स्कूल है वो दोस्तों प्रोमिनेंट स्कूल इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं. मेवाड़ स्कूल के साथ साथ इनका भी डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है. नेक्स्ट पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो 17 to 19 सेंचुरी में डेवलप हुई. पहाड़ी पेंटिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. ओके, बशाली स्कूल. पहाड़ी स्कूल को दोस्तों जो पेंटिंग पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये जो पेंटिंग है दोस्तों उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. दो अलग अलग एरिया में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड टू डिफरेंट एरियाज लाइक बशाली स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पेंटिंग माइग्रेट टू कांगड़ा रीजन. ओके, after the decline of Mughal Empire, painting migrate to Kangra region. Whenever Mughal Empire were declined, okay, the painting was migrated to Kangra regions. Okay, under Raja Sansar Chand, this school reached its zenith. एक दोस्तों वहाँ के राजा हुआ करते थे संसार चंद, उनके पैटर्न में ये अपनी जेनिथ पे, अपनी ऊंचाई पे पहुंच गया। पेंटिंग वर मार्क्ड विथ सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस। लव सेंस ऑफ कृष्णा वर प्रोमिनेंट। कृष्णा के जो लव सेंस है, कांगड़ा स्टाइल की जो खासियत है, वहाँ पे कृष्णा के जो लव सेंस हैं वो दोस्तों वहाँ पे क्या कि प्रोमिनेंट है। पेंटिंग्स वर मार्क्ड विथ सेंसुअली एंड इंटेलिजेंस एंड कृष्णा के लव सीन्स यहाँ पे प्रोमिनेंटली बनाए गए। राजा संसार चंद ने दोस्तों से क्या किया है, इसे पैटर्न किया हुआ है, क्या हुआ था। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट, मिनिएचर पेंटिंग ऑफ साउथ इंडिया। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे मिनिएचर पेंटिंग ऑफ अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मिनिएचर पेंटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट, तंजौर पेंटिंग। इट इज फेमस फॉर स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग इज फेमस फॉर स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग। सजावट बहुत की जाती है यहाँ पे। Unique as they were mostly ornamented on glass and wood, wooded planks. Unique as what they were mostly ornamented on glass and wooded planks. Oriented है, sorry, ornamented नहीं, oriented है, oriented on glass and wood planks. Brilliant color pattern and liberal use of gold leaf marks the uniqueness. ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है तंजौर स्टाइल का, याद रखिएगा, इसी से तंजौर स्टाइल जाना जाता है। इट इज द मेन फीचर ऑफ तंजौर स्टाइल लाइक ब्रिलियंट कलर पैटर्न एंड लिबरल यूज ऑफ गोल्ड। गोल्ड लीव्स मार्क्स द यूनिकनेस। यहाँ पे गोल्ड लीव्स का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, कम मात्रा में गोल्ड लीफ का, पतले गोल्ड लीफ का इस्तेमाल करते हैं जो इसे सबसे यूनिक बनाती है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज जीआई टैग बाय ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इट हैज बीन दोस्तों रिकॉग्नाइज एज जीआई टैग। ओके, नेक्स्ट है मैसूर पेंटिंग। द मेजर थीम इज द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। मैसूर पेंटिंग की जो खासियत है कि यहाँ पे मेजर थीम जो क्या है वो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड करता है। यूज ऑफ गेसो पेस्ट। गेसो पेस्ट दोस्तों एक विशेष प्रकार का पेस्ट होता है पेंटिंग बनाने में जिसको गेसो पेस्ट कहते हैं, which is a mixture of white lead powder, gamboge and glue is the prominent. Okay, जो गैसो पेस्ट होता है दोस्तों वहाँ पे white lead powder, gamboge and glue is prominent. glue यानी कि गोंद वगैरह से दोस्तों इस मिक्सचर को बनाया जाता है। ये मैसूर पेंटिंग का एक तरीका है जहाँ पे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सॉरी पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका है फोक पेंटिंग। तो अभी तक आपने जो दोस्तों पेंटिंग के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पेंटिंग के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ा कि एंशिएंट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ, देन मिडिवल इंडिया में दोस्तों जो डेवलपमेंट होगा। मिडिवल इंडिया में दो तरीके के डेवलपमेंट होंगे। मैंने बोला कि कोर्ट पेंटिंग का दोस्तों डेवलपमेंट होगा, और एक मैंने बताया कोर्ट पेंटिंग के अलावा एक मैंने रीजनल पेंटिंग्स के बारे में बताया, क्षेत्रीय पेंटिंग के, क्षेत्रीय चित्रकला के बारे में आपको डिस्कस किया। अब दोस्तों हम लोग जो तीसरी चीज पढ़नी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं वो है आपके फोक पेंटिंग आर्ट। एंशिएंट का हमने पढ़ लिया था, इसमें ज्यादातर आपको मुराल पेंटिंग मिली थी, ओके, और थोड़ा सा पाल और स्कूल शैली था, आपको याद होगा, जो 750 एडी के आसपास शुरू होता है, जो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत होती है। मिडल इंडिया में ज़्यादातर दोस्तों आपको कैसी मिली पेंटिंग, आपको मिनिएचर पेंटिंग मिली, और वो कोर्ट पेंटिंग है, और या नहीं तो आपकी रीजनल पेंटिंग्स मिनिएचर हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग फोक पेंटिंग। ये फोक पेंटिंग जो है वो ये आपको मुराल भी मिलेगी एंड आपको मिनिएचर भी मिलेगी। फोक पेंटिंग क्या होती है, ये वो पेंटिंग है दोस्तों जो कि पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में या पर्टिकुलर इंडिया के एरियाज में पर्टिकुलर लोग स्पेसिफिक लोगों के द्वारा जो पेंटिंग आर्ट को पैटर्न किया गया, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के जरिए दोस्तों जो पैटर्न किया गया उसे फोक पेंटिंग कहते हैं। ओके, तो आइए फोक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग, सबसे पहले बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के। फोक पेंटिंग के दोस्तों डिफरेंट फॉर्म होंगे, उसमें एक फॉर्म है आपका मधुबनी पेंटिंग, ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन ऑफ विलेजेस अराउंड मधुबनी बिहार। मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन्स ऑफ विलेजेस अराउंड मधुबनी बिहार एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मिथिला पेंटिंग। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग को हम लोग मिथिला पेंटिंग भी कह सकते हैं और ये गांव की महिलाओं के द्वारा परंपरागत रूप से बनाया जाता है। रिलीजियस मोटिव्स ऑफ द हिंदू गॉड्स आर यूज्ड। दोस्तों हिंदू गॉड्स को यहाँ पे क्या क्या मेन, मतलब इनका जो इनका विषय है, जो सब्जेक्ट है वो हिंदू गॉड्स होते हैं। फिश रिपिट्स गुड लक एंड फर्टिलिटी इन देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों फिश को बहुत ज़्यादा बनाते हैं वहाँ पे, जो कि एक अच्छे गुड लक एंड फर्टिलिटी का दोस्तों जो कि एक तरीके से सिंबल है फिश। एंड जो है देखिए आप सिर्फ फिश देख सकते हैं, बहुत सारी पेंटिंग में फिश बनी हुई है, तो जो कि सिंबल है फर्टिलिटी की एंड इन देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। इट हैज़ गॉट द जी आई टैग। दोस्तों ये भी दोस्तों जी आई टैग प्राप्त हुआ है, इसीलिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मिथिला पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पट्टचित्र पेंटिंग। ओके, पट्टचित्र पेंटिंग क्या है? अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। ओडिशा का दोस्तों ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, पेंटेड ऑन ट्रीटेड क्लॉथ्स एंड कलर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक लैम्प ब्लैक टीसी। ओके दोस्तों पेंटेड ऑन ट्रीटेड क्लॉथ्स। ओके दोस्तों ट्रीटेड क्लॉथ जो बनाए कपड़े, जो ट्रीटेड क्लॉथ्स हैं, कपड़ों पे को ट्रीट किया गया है, कैनवस की तरह से ट्रीट किया गया है, बनाया गया है एंड फिर दोस्तों उस पे जो है पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट कलमकारी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कलमकारी पेंटिंग। दोस्तों आपकी इस बुक में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई है, बहुत तरह की पेंटिंग्स आपको फोक पेंटिंग दी गई है। इस बुक में बहुत सारी पेंटिंग की लिस्ट है, लेकिन उसमें से केवल कुछ पेंटिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, केवल वो पेंटिंग इंपॉर्टेंट है जिन्हें या तो जीआई टैग मिला हुआ है, या जो किसी वजह से करेंट में है, या दोस्तों जिसे कि कह सकते हैं कि या तो फिर जैसे दोस्तों कोई जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में अगर कोई शामिल कोई पेंटिंग है तो वो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वो केवल इंपॉर्टेंट ही लिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप केवल उन्हीं को पढ़िएगा। डन विथ पेन्स मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बम्बू रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ कलर्स। दोस्तों एक शार्प, एक जो हाथ की बनी हुई पेन होती है, ललित कौशल बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल, आप चाहें तो ना पढ़ें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल उसको पढ़िए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब बंगाल स्कूल ऑफ इंपॉर्टेंट से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बड़े कम टाइम में आपको सारी चीज़ें पढ़ानी, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ले लिया। डन विथ पेन्स मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बाम्बू रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ कलर्स, यानी कि दोस्तों बहुत सारे पेन जो हैं वो ऐसे पेन जो बम्बू के बने हुए हैं, उससे दोस्तों ये पेंट को लिया गया। कॉटन फैब्रिक बेस विथ वेजिटेबल डाइज और यूज्ड, कॉटन फैब्रिक बेस लिए गए दोस्तों जहाँ पे वेजिटेबल डाइज से इसे बनाए गए। एंड श्री कला हस्ती एंड मसूलीपट्टम ऑफ द आंध्र प्रदेश आर्ट द मेन सेंटर ऑफ दिस आर्ट। दोस्तों श्री कला हस्ती एंड मसूलीपट्टम जो है इस कला का मेन सेंटर है, इस पेंटिंग आर्ट के डेवलपमेंट का मेन सेंटर, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी एंड हैज़ रिसीव्ड जीआई स्टेटस। दोस्तों ये भी हिंदू मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है एंड इसने भी दोस्तों जीआई स्टेटस प्राप्त किया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ली पेंटिंग। Warli painting, old traditional painting back to 2500 BC to 3000 BC is carried by Warlis, indigenous people of Gujarat, Maharashtra and Hodar. यानी कि दोस्तों जो कि प्री हिस्टोरिक फेज का जो पेंटिंग डेवलपमेंट था उससे ये काफ़ी इंफ्लुएंस्ड है, इंस्पायर है और ये जहाँ पे डेवलप होता है वो आपका इलाका है गुजरात एंड महाराष्ट्र में। वर्ली पेंटिंग दोस्तों इस साल यूपीएससी 2020 में पूरी आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है ना, ये पूरे तरीके से प्रश्न आने की संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के, क्योंकि दोस्तों अभी नोएडा के जो नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है उसने अपनी पूरी बिल्डिंग को ही वर्ली पेंटिंग से सजाने का फैसला लिया है, डिसीजन लिया है और बल्कि सजाया जा रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये पेंटिंग जो है इस साल करंट में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, हो सकता है इस साल एग्जाम में ये पूछ भी ले, तो ध्यान रखिएगा आप लोग जो लोग एग्जाम दे रहे हो इस बार के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग आर डन ऑन वॉल्स विथ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इस पेंटिंग को दोस्तों ये मुराल पेंटिंग टाइप की है, इसे वॉल पे बनाते हैं जहाँ पे ज्योमेट्रिकल फीचर्स जो है फिगर्स यहाँ पे डेवलप किया जाता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड फॉर कलर्स, ओके, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर कलर करने के लिए। ये वर्ली पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थांग का पेंटिंग। थांग का पेंटिंग traditionally made by Buddhist monk today this belong to Sikkim, okay, ये Buddhist monk से relate करता है थांग का painting, today this belong to Sikkim, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इंडिया का जो वो सेंसिटिव एरिया है, खासकर जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट या नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट या लद्दाख वाला पार्ट, जो भी दोस्तों भारत में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बाउंड्री जो ऐसे जो किसी देश से लगे हुए हैं, उन एरिया का दोस्तों कल्चर वगैरह आपके लिए जानना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पढ़ाई करने का, कि आपके लिए दोस्तों किसी भी स्टेट को, इंडिया को जानने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने दोस्तों जो नेबर स्टेट से लगे हुए जो स्टेट्स हैं वहाँ के कल्चर, वहाँ के तौर तरीक़ों, वहाँ के ट्रेडिशंस को आप ज़्यादा अच्छे से समझें। तो आपको मैंने बताया कि आपको एक अप्रोच मिल जाएगा इससे आपको चीज़ों को याद करने का। तो ये थांगका पेंटिंग दोस्तों ज़्यादातर कहाँ पे है? लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। ये दोस्तों चाइना से सारे लगे हुए बॉर्डर है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ मतलब ये दोस्तों होते रहते हैं, इसलिए वे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के कल्चर को एज एडमिनिस्ट्रेटर आप वहाँ के कल्चर को समझें। पेंटेड ऑन बेस ऑफ कॉटन कैनवास विथ नेचुरल वेजिटेबल्स, ओके, दोस्तों ये कॉटन कैनवास पे बनाए जाते हैं नेचुरल वेजिटेबल्स के साथ। नेक्स्ट मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग बिलोंग्स टू भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, आल्सो नोन एज अंगिका आर्ट एंड अंगा, ओके, अंगिका, ये दोस्तों अंगिका आर्ट के नाम से भी जाना जाता है और मोस्टली बिलोंग फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। चेरिगल स्क्रोल पेंटिंग, ठीक है ना, चेरिगल स्क्रोल पेंटिंग, इट इज़ टाइप ऑफ नक्काशी आर्ट विच इज़ इंडिजिनस ऑफ टू तेलंगाना, जो इट इज़ टाइप ऑफ नक्काशी आर्ट विच इज़ इंडिजिनस टू तेलंगाना, जो तेलंगाना से बिलोंग करता है। डिपिक्टेड एज ए स्टोरी लाइक कॉमिक्स और बॉल्ड एंड बल्लाड बाई बल्लादीर कम्युनिटी, ए स्पेशल कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों, जो तेलंगाना से बिलोंग करती है, बल्लाद, उसमें दोस्तों ये देखने को मिलती है उस पेंटिंग। द थीम्स ऑफ हिंदू एपिक्स एंड पुराणिक स्टोरीज इज डिपिक्टेड, यानी दोस्तों का जो थीम है वो किससे रिलेटेड है? वो हिंदू एपिक्स एंड पुराणों से। इट हैज गॉट द जीआई टैग इन 2007, ओके। नेक्स्ट शौरा पेंटिंग। They are made by Saura tribe of Odisha and are similar to Warli painting. ये वर्ली पेंटिंग से काफ़ी मैच करती है। It was and is wall mural painting which is ritualistic. दोस्तों ये mural painting जैसा ही है। Dedicated to Edital the main Saura deity. दोस्तों ये जो शौरा लोगों के जो मेन देवता हैं Edital, उन्हीं को दोस्तों ये dedicated है ये painting. Natural colors for vegetables are used. Gained modern fashion with prints on modern clothings. Okay, natural cloths, colors of vegetable. ये दोस्तों जो modern fashion की जो cloths हैं उसमें दोस्तों ये यूज़ किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है सौरा पेंटिंग, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनको पढ़ना है। इसी के साथ दोस्तों हमारी पेंटिंग का चैप्टर ख़त्म हुआ और लगभग हमने 1 घंटे से ज़्यादा पेंटिंग चैप्टर पे काम किया है। ऑलमोस्ट जो है हमने 1 आवर से ज़रा दोस्तों पेंटिंग आर्ट पे हमने बात किया। तो जितना इस बुक में पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आप इसको नोट कर पा रहे हैं, नोट डाउन अगर कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये सेशन, जिससे कि आपको आगे चल करके कम से कम नितिन सिंघानिया पे आपको परेशानी नहीं आएगी, नितिन सिंघानिया में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक पर बात करते हैं, वो है हमारा म्यूजिक डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक आर्ट इन इंडिया। अब हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक पे आने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक आर्ट इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ, हम लोग डिफरेंट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इंडिया में इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड देन दोस्तों बात करेंगे इसके डिफरेंट फॉर्म क्या हैं। थैंक यू स्वादिस्मिता, आप जो भी हैं, थैंक यू आप सभी को। आप लोग भी ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से आकर के ज्वाइन करें सेशन को, इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा इस सेशन से। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रोडक्शन। मेनी टाइप ऑफ म्यूजिक इज प्रेवलेंट इन इंडिया, सम आर क्लोजर टू क्लासिकल बैंड एंड सम आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द ग्लोबल म्यूजिक लाइक पॉप, जैज, एटक। The detailed classification is under many types of music is prevalent in India. The detailed classification is under Hindustani music. दोस्तों जब हम म्यूजिक पे बात करेंगे तो उसके 2 फॉर्म देखने को, 3 फॉर्म यहाँ भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक फॉर्म मिलेगा आपको क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा मिलेगा आपको फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूज़िक में आएंगे तो बात करेंगे कि इसमें 2 आपको मिल जाएंगे, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा मिल जाएगा आपको कर्नाटक म्यूज़िक। आपको इस बुक में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको इसलिए ये बता दिया कि आपके लिए आसानी हो जाए कि हमें पढ़ना कैसे है, एक अप्रोच और एक फिगर आपके दिमाग में बन जाए कि एक्चुअली में आपको किसी टॉपिक को टैकल कैसे करना है। एक आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो जाए कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी। एंड फोक म्यूज़िक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात यहाँ पे करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा व्यवहार में देखने को मिलती है। इट फोकसेज मोर ऑन द म्यूजिकल स्ट्रक्चर्स एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ improvisations in it. Okay, इन focuses more on the musical structures. दोस्तों की फोकस करती है ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिकल स्ट्रक्चर पे एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इम्प्रोविजन्स इन इट। और उसमें दोस्तों जो भी उसके संभावनाएं हो सकती हैं, इम्प्रोविजन्स हो सकते हैं, उस पर ये फोकस करता है। इम्प्रोविजेशंस जो हो सकते हैं उस पर ये शामिल होते देखने को मिलता है। देयर आर 10 स्टाइल्स मेन ऑफ सिंगिंग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक विच आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। इस म्यूजिक स्टाइल के अंतर्गत टोटल 10 स्टाइल देखने को मिलती है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 तरीके से गाने के दोस्तों स्टाइल इसमें देखने को मिलते हैं। उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला है दोस्तों ध्रुपद, फिर ख्याल। ओके, हिंदुस्तानी म्यूजिक के दोस्तों डिफरेंट गाने के स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले ध्रुपद, ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक and mentioned even in Natya Shastra, it reached its zenith in the court of Akbar. दोस्तों ये हिंदुस्तानी शैली का जो है सबसे ग्रैंडेस्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। दोस्तों इसे सोल भी कह सकते हैं। we can say the Dhrupad raga ya Dhrupad style is the soul of Hindustani music. Hindustani music, Dhrupad is the oldest and grandest form of Hindustani classical music and mentioned even in Natya Shastra. ये नाट्य शास्त्र में भी दोस्तों मेंशन की गई, जो कि गुप्ता पीरियड की किताब है, जिसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। यानी कि दोस्तों इसकी जड़ें, इसके रूट्स हमें काफी पीछे देखने को मिलते हैं, एंशिएंट इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। इट रीच्ड इट्स जेनिथ इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में इसे पैटर्न मिला ध्रुपद को और ये अपनी ऊंचाई पे पहुंचे। ओरिजिन इज एट्रीब्यूट टू द अमीर खुसरो, जनरली माना। अब दोस्तों नेक्स्ट है ख्याल, ख्याल गायकी। एक तो ध्रुपद हो गया, फर्स्ट वन ध्रुपद, सेकंड वन ख्याल। ओरिजिन इज एट्रीब्यूट टू अमीर खुसरो, ऑल्सो रिफर्ड एज बंदिश। ओके दोस्तों ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो के साथ इसे ऐसे की शुरुआत हुई ख्याल की, और इसे दोस्तों बंदिश के नाम से भी जानते हैं। इसे बंदिश भी कहते हैं। खुद हुसैन शाह गैप द बिगेस्ट पैट्रोनेज टू द ख्याल इन 15th century। हुसैन शाह शर्की वॉज द फेमस किंग ऑफ शर्की डायनेस्टी इन जैनपुर हु गैप पैट्रन टू दिस स्टाइल ऑफ म्यूजिक, ख्याल गायकी, ख्याल म्यूजिक। ओके इन 15th century ही वॉज बिलोंग फ्रॉम जौनपुर। हुसैन शाह शर्की बिलोंग फ्रॉम शर्की स्टाइल, शर्की। द मेजर घरानाज आर ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना एंड पटियाला घराना। ख्याल गायकी या ख्याल म्यूजिक इज एसोसिएटेड एंड डेवलप्ड एंड एसोसिएट फ्रॉम द डिफरेंट घरानाज लाइक ग्वालियर, किराना, आगरा एंड पटियाला। ओके दोस्तों ये सारे जो म्यूजिक हैं ये घराना स्टाइल से ही भारत में आज तक प्रोटेक्टेड हैं, और दोस्तों इस तरीके से ये आज भी अपनी चीज़ों को बनाए रखा है, प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों ये अपनी ट्रेडिशन को, अपनी परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, यानी कि उसे दोस्तों इन्होंने बनाए रखा है। नेक्स्ट है तराना स्टाइल। आपने दो पढ़ लिया अभी तक, एक आपने पढ़ा ध्रुपद, दूसरा आपने पढ़ा ख्याल, एंड थर्ड दोस्तों बात करेंगे किस पे? तराना स्टाइल। रिदम एंड मेलोडी प्लेज द मेजर रोल। ओके दोस्तों इसमें रिदम एंड जो मेलोडी होती है वो प्लेज द मेजर रोल। इट यूज्ड मेनली मेनी वर्ड दैट आर संग इन अ फास्ट टेम्पो। ठीक है, इट यूज्ड मेनी वर्ड्स, आप इसको दूसरे शब्दों में भी ये कह सकते हैं कि दैट संग इन अ फास्ट टेम्पो, यानी दोस्तों फास्ट अंदाज में, तेजी के अंदाज में, यानी कि तीव्रता से, चंचलता के साथ दोस्तों जब इसे गाया जाता है, चंचल होकर के, स्प्राइनेस के साथ जब इसे गाते हैं, तो ये दोस्तों तराना स्टाइल कहलाता है। इट वॉज इन्वेंटेड अगेन बाई अमीर खुसरो, इट वॉज अगेन इन्वेंटेड बाई अमीर खुसरो एंड वॉज ऑल्सो यूज बाई गुरु गोविंद सिंह। ऐसे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भी यूज किया गया, यानी कि उनको डेवलप किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने कौन कौन से रागों की शुरुआत की, कौन कौन से रागों को इन्वेंट किया है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो आपने जान लिया कौन सा? तराना, एंड इसके पहले आपने क्या जान लिया? ख्याल। वैसे दोस्तों बहुत सारी किताबों में ध्रुपद को अमीर खुसरो के साथ ही जोड़ा गया है, और अमीर खुसरो को बताया गया है कि अमीर खुसरो ही ध्रुपद स्टाइल के फाउंडर हैं। इसके बाद दोस्तों स्वामी हरिदास ने इसको डेवलप किया। अमीर खुसरो के बाद अकबर के टाइम में स्वामी हरिदास, एंड स्वामी हरिदास के बाद दोस्तों उसको और अपने जेनिथ पे ले गए कौन? तानसेन। बट दोस्तों क्या है ना कि जो ध्रुपद स्टाइल है इज द, मैंने बताया, सोल ऑफ हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी म्यूजिक। नेक्स्ट सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल। क्लासिकल में अभी आपने देखा ख्याल, तराना, ठीक है ना, और आपने देखा उसके बाद ध्रुपद, ये सब आपको हिंदुस्तानी स्टाइल के, आपको क्लासिकल स्टाइल मिल जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तानी के दोस्तों जो सेमी क्लासिकल स्टाइल होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या इट इज बेस्ड ऑन स्वरा नोट्स? ये स्वरा नोट्स पे दोस्तों बेस्ड होता है। दे एम्प्लॉय लाइटर वर्जन ऑफ रागा एंड ताला। दोस्तों यहाँ पे लाइटर वर्जन ऑफ रागा एंड ताला को दोस्तों यहाँ पे राग और ताल जो होते हैं वो लाइटर यूज होते हैं, मतलब हल्के यूज होते हैं, क्लासिकल में जितने तीव्रता के साथ यूज किए जाते उतने तीव्रता के साथ यहाँ यूज नहीं होते. दे एम्फेसाइज मोर ऑन भाव एंड लिरिक्स देन अलाप. यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे क्लासिकल में क्या करेंगे कि वहाँ पे अलाप पे बहुत जोर देंगे, बहुत ज़रा अलाप पे जोर देंगे, लेकिन दोस्तों जो सेमी क्लासिकल होते हैं वहाँ पे अलाप से ज़्यादा भाव एंड लिरिक्स पे दोस्तों ज़रा जोर देते हैं. सम प्रोमिनेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल आर डिस्कस्ड बेलो. दोस्तों जो उसमें कुछ प्रोमिनेंट जो के सेमी क्लासिकल स्टाइल के जो हिंदुस्तानी स्टाइल के जो म्यूजिक्स हैं नीचे दिया गया है. उसमें पहला है ठुमरी. ठुमरी बेस्ड ऑन मिक्स्ड रागास एंड कंसिडर्ड सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक. रोमांटिक और डिवोशनल म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट. याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज द ठुमरी वॉज इंस्पायर्ड बाय द भक्ति मूवमेंट. ओके, भक्ति मूवमेंट म्यूजिक एंड यूजुअली कंपोज इन हिंदी इन ब्रज भाषा. ठीक है ना, ब्रज भाषा में दोस्तों क्या किया गया है, ये कंपाइल किया गया है. जनरली संग इन फीमेल वॉइस एंड लिंक टू क्लासिकल डांस कथक. जनरली दोस्तों इसे संग कौन फीमेल करती हैं और इसे जनरली कथक के साथ दोस्तों इसे कनेक्ट कर देते हैं, कथक डांस के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, वाराणसी एंड लखनऊ घराना आर फेमस फॉर ठुमरी. वाराणसी और जो लखनऊ घराना है वो फेमस है ठुमरे स्टाइल के लिए. नेक्स्ट टप्पा. Rhythm plays an important role and originated from the folk song on the camel riders of Northwest India. दोस्तों ये जो Northwest India में जो camel riders थे, जो ऊँटों की सवारी करते थे, उन लोगों के जरिए इसे गाया जाता था. Northwest India में उन्हीं लोगों ने दोस्तों से प्रमोट किया, उन लोगों ने पैटर्न किया. ओके, और rhythm plays an important role and originated from the folk song of the camel riders. ओके, very quick turns of phrases in used. दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही क्या किया जाता है, कविताएं बना ली जाती हैं, तुरंत गाने बना लिए जाते हैं. वेरी क्विक टर्न ऑन फ्रेजेस यूज्ड, यानी कि दोस्तों इसमें बड़ी ज़रा तपाक से कोई भी बात पे जिसे कहते हैं क्विक रिएक्शन करते हैं, किसी के म्यूजिक पे, किसी के गाने पर, उस पर क्विक रिएक्शन जो है वो गाना बना करके करते हैं. ये टप्पा स्टाइल की विशेषता है, फीचर्स. नेक्स्ट कर्नाटिक म्यूजिक. मैंने बताया कि आपको हिंदुस्तान, आपको म्यूज़िक के दो आपको देखने को मिलेंगे, दो आपको स्टाइल देखने को मिलेंगे. एक आपको हिंदुस्तानी स्टाइल मिलेगा और दूसरा है कर्नाटिक स्टाइल. इट क्रिएट्स म्यूजिक दैट इज प्लेड इन द ट्रेडिशनल ऑक्टेव. इट्स क्रिएट्स म्यूजिक दैट इज प्लेड इन द ट्रेडिशनल ऑक्टेव. इन दोस्तों ये म्यूजिक को क्रिएट करता है ट्रेडिशनल तरीके से. कृति बेस्ड म्यूजिक which basically focused on sahitya or the lyrical quality. कृति बेस्ड म्यूजिक होता है दोस्तों जो बेसिकली साहित्य और लिरिक पर, यानी कि संगीत पे, यानी कि दोस्तों बोलने पे, साहित्य के लिरिक पर, बोल पर दोस्तों ये आधारित होता है. अब आइए दोस्तों बात करते हैं फोक म्यूजिक पे. वैसे इस बुक में कर्नाटका स्टाइल में के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड दिया हुआ है. इसके अलावा भी कर्नाटका स्टाइल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैं नहीं ले सकता क्योंकि अभी फिलहाल मैं बाउंडेड हूँ कि मैं नितिन सिंघानिया ही आपको पढ़ा रहा हूँ. फोक म्यूजिक. ईच स्टेट ऑफ दिस कंट्री हैज इट्स ऑन फॉर्म ऑफ म्यूजिक बेस्ड ऑन कल्चरल अफर्मेशन. दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों में दोस्तों उनकी अपनी कला और संस्कृति के आधार पर बहुत तरह के म्यूजिकल डेवलपमेंट हुए, म्यूजिक का दोस्तों डेवलपमेंट हो, जिसे फोक म्यूजिक कहते हैं. द फोक ट्रेडिशन इज द म्यूजिक ऑफ द पीपल एंड हैज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. दोस्तों ये म्यूजिक ऑफ पीपल होता है, यहाँ पे कोई निश्चित नियम नहीं होते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. बेस्ड ऑन डाइवर्स थीम एंड आर फुल ऑफ म्यूजिकल रिदम. सम ऑफ द प्रोमिनेंट फोक म्यूजिक्स आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर. पांडवानी. It is from MP and is a heroic ballad song. ये दोस्तों from MP से है और heroic ballad song दोस्तों इसी से heroic ballad song है, एक विशेष प्रकार का दोस्तों heroic ballad song है ये. Sung in Braj अवधी एंड भोजपुरी, यानी कि दोस्तों ब्रज, अवधी एंड भोजपुरी तीनों में गाया जाता है। पांडवाज ऑफ महाभारत आर ग्लोरीफाइड थ्रू दिस, दोस्तों जो महाभारत के जो पांडव हैं उनको यहाँ पे उनके शान शौकत की बात होती है, उनके दोस्तों उनके सम्मान में ये गीत गाए जाते हैं, पांडवानी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट लावड़ी, इट इज़ फेमस फोक डांस फ्रॉम अ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का दोस्तों फेमस डांस है। इट हैज़ अ यूनिक म्यूजिक विच इज़ अ परफेक्ट फॉर डांसिंग विच हैज़ पावरफुल रिदम, ये यहाँ पे एक यूनिक म्यूजिक होता है जो कि परफेक्ट होता है किस बात के लिए, डांसिंग के लिए परफेक्ट होता है। डांडिया, यू नो अबाउट डांडिया, रास और डांडिया, रास इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात, ओके। It is very famous and a global. It is very famous, globally famous nowadays. Ras and Dandiya. It is featured along with Garba. ये दोस्तों गरबा डांस के साथ इस सॉन्ग को दोस्तों गाया जाता है, ओके। गरबा डांस होता है गरबा और गाना होता है दोस्तों डांडिया। कोलाट्टम, it is popular music and dance combination of Andhra Pradesh. सिमिलर टू डांडिया, ओके, ये सिमिलर टू डांडिया ही होता है। एंड फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक सम ऑफ द स्टाइल आर, दोस्तों कुछ जो है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल फोक, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक सम ऑफ द स्टाइल्स आर, जो कुछ क्लासिकल और फोक के दोस्तों जो फ्यूजन्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी म्यूजिक डेवलप हुए जो क्लासिकल और फोक को मिला करके डेवलप हुए, उसके फ्यूजन बन गए। तो दोनों को मिक्स करके जो म्यूजिक डेवलप हुआ उसे फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक बोलेंगे। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से। एक तो भजन, मोस्ट पॉपुलर फ्यूजन विच रिजल्टेड इन डिवोशनल सिंगिंग इन नॉर्दर्न इंडिया, भारत के उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में दोस्तों भजन को का गायन किया जाता है। वो डिवोशनल सिंगिंग है दोस्तों, आध्यात्मिक सॉन्ग की तरह भजन को गाया जाता है। इट ऑज टू द भक्ति मूवमेंट, ये दोस्तों भक्ति मूवमेंट से आया है। जब भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसके बाद ही दोस्तों ये भजन उसमें से निकल करके आया और डेवलप हुआ। द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस फ्रॉम वेरियस एपिक्स आर डिपिक्टेड, दोस्तों विभिन्न देवी देवताओं की जो कहानियां हैं वो यहाँ पे चित्रित की जाती हैं। मीराबाई, तुलसीदास एंड कबीर, सूरदास आर द मेजर एक्सपॉन्डर्स ऑफ द भजन, ये लोग दोस्तों भजन के गाने वालों में से मुख्य लोग थे, मीराबाई, तुलसीदास एंड कबीर एंड सूरदास। भजन के बाद दोस्तों सबत, इट रोज विद द राइज ऑफ सिखिज्म एंड वर डेडिकेटेड टू द गुरुज इन द गुरुद्वारा, ओके। इट रोज विद द राइज ऑफ सिखिज्म एंड वर डेडिकेटेड टू द गुरुज इन द गुरुद्वारा, दोस्तों जहाँ पे गुरुद्वारा के लिए में डेडिकेटेड होता है, सिखिज्म से रिलेट है दोस्तों, ओके। गुरु नानक एंड हिज डिसाइपल मर्दाना वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबत, गुरु नानक और उनके जो शिष्य थे मर्दाना उन्होंने इसको डेवलप किया है सबद को। गुरु ग्रंथ साहिब इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस सबद इन दिस चैप्टर इन इट्स चैप्टर्स, गुरु ग्रंथ साहिब इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस सबद इन इट्स चैप्टर्स, दोस्तों विभिन्न शब्दों से मिलकर के गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिख लोगों की फेमस बुक है, होली बुक है, वो ऑर्गेनाइज की गई। नेक्स्ट कव्वाली, कव्वाली काइंड ऑफ अ डिवोशनल म्यूजिक इन प्रेज ऑफ अल्लाह आर एनी इस्लामिक सेंट, दोस्तों ये काइंड ऑफ अ डिवोशनल एक आध्यात्मिक म्यूजिक है जो कि प्रेज, जो कि इस्लामिक धर्म का दोस्तों या सूफी धर्म से, सूफी सेक्ट से, संप्रदाय से दोस्तों निकला हुआ ये कव्वाली जो है प्रमुख संगीत विधा है कि प्रेज फॉर अल्लाह फॉर एनी इस्लामिक सेंट, कंपोज इन सिंगल रागा इन उर्दू, हिंदी और पंजाबी, परफॉर्म्ड इन सूफी श्राइन्स, ओके। अमीर खुसरो कैन बी क्रेडिट फॉर द ओरिजिन ऑफ कव्वाली, अमीर खुसरो को दोस्तों कव्वाली के ओरिजिन करने का क्रेडिट जाता है। मेजर कव्वाली आज आपके आर साबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान एंड अदर्स। सो दैट दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके साथ ही हमने आपको आज स्कल्पचर आर्ट के बारे में पढ़ाया, म्यूज़िक आर्ट के बारे में पढ़ाया एंड दोस्तों आपको मैंने पेंटिंग आर्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझा दी, ओके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, आप बने रहिए, मेहनत से नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको आगे अभी 2 दिन और दोस्तों हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, हमारी 2 दिन की और क्लासेस होंगी, कल भी शाम को होंगी और 31 तारीख को भी दोस्तों शाम को हमारी क्लासेस होंगी। 30th ऑफ अगस्त एंड 31st ऑफ अगस्त को भी हमारी क्लासेस होनी है इसी टाइम शाम को 6 बजे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। बस तरीके से मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरी किताब आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा किताब हम लोग कवर कर चुके हैं और दोस्तों जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल कवर करेंगे। ओके चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच एंड